हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंध जगत पते गोपी सर्व विघात श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रिसभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये भक्त्या विहीनापराध लक्ष्यै कीर्तासि कामादि तरंग मध्यै कृपा मयि त्वं शरणं प्रवर्णा वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग्म सुमति रघुनाथ दास श्री जीव विकृत मंद मति दयाम्बरा तमादि देवं करुणानिधानं कमालवर्णं श्रुतावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रभजन्त मनुभेदमपेत कृत्यं द्वैपायन विरहकातर आयुभाव पुत्रेति तन्मयतया करवोभिनेतु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमधिहरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सर्वग्रहाधर बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरि पर जोर करके बोलो बोल हरे कृष्ण 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 वृंदावन की हरि लाल की जय। हरे कृष्ण हरि बोल। ये जो चेयर में जो बैठने वाले हैं यहाँ नहीं बैठना, चेयर में पीछे जाओ, चेयर को उठा कर एकदम पीछे, यहाँ पर नहीं, पीछे कोई नहीं बैठ सकते, चेयर को पूरा जो चेयर में बैठे पूरा पीछे लेकर बैठो, आगे नहीं पूरा सबका करके पूरा पूरा पीछे पीछे ले जाओ चेयर को, जो पीछे आएंगे एकदम पीछे ले जाओ चेयर को, यहाँ पर कोई है कि नहीं, सीमा दीदी कहाँ गई, ये सारे चेयर वालों को पीछे बैठा दो एकदम पीछे, यहाँ पर कोई सामने नहीं बैठे, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। आप भी पीछे जाओ, सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितिन लाभिष्टम विष्णु पाद अष्टोतर श्री श्री श्रीमान भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरी सिख्या गुरुपाद पद्म नितिन लाभिष्टम विष्णु पाद अष्टोतर श्री श्री श्रीमान भक्ति वेदांत श्री लव नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण स्वर्ग में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता बिंदा भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, कृष्ण सर्वप्रथम उन्होंने पुतना को बलि दिया है। बोले प्रभु जी सबसे पहले पुतना को क्यों मारे? ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, अगर कोई अपना हृदय में भगवान को बैठना चाहते हो सबसे पहले पुतना को मारो। ये पूत मतलब होता है पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं अपवित्र है। जब तक हमारे हृदय में अपवित्रता रहेगा तब तक ठाकुर जी हमारे हृदय में बैठ नहीं सकते।
इसलिए देखो भगवान राम भी बताओ तो भगवान राम सबसे पहले किसको मारे थे? सब शुरू हो गए किसको मारे थे? हाँ, ये माता जी के लिए ताली बजाओ, तो कोई काम भी नहीं। इसलिए तारका को मारे थे। बोलिए तारका मतलब क्या होता है? बोले तारयति इति तारका, बोले जीव को जो संसार में भगाता रहता है। बोले संसार में जीव को कौन भगाता है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही सब चीज हमें संसार में भगाता है। इसलिए मानो दोनों ठाकुर एक ही शिक्षा देते हैं। अगर कोई हृदय में ठाकुर को बैठना चाहते हैं, पहले अपना हृदय की गंदगी को हटाओ, फिर ठाकुर जी बैठेंगे। देखो हु त ना, ये भी तीन अक्षर ता र का, ये भी तीन अक्षर, उतना भी स्त्री और तारका भी स्त्री हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए जब ठाकुर जी ने सर्वप्रथम उन्हें उतना को बद की, जब सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक को द्वारा कहते हैं, अगर भक्ति करना तो किसको भक्ति करनी चाहिए? बोले कृष्ण को ही भक्ति। बोले क्यों? तो उसका चार कारण बताए, आज मैं बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा, ठीक है? ध्यान देकर सुनो। बोले पुतना लोक वाला राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासया अपि हरे स्तनम तत्व अपसत गति। पहला कारण बताए, वो पहला नंबर में पुतना मतलब जो अपवित्र था, दूसरे नंबर में वो करती थी कि बोले बच्चों का खून पीती थी, बोले तीसरा कारण कौन है? बोले ये राक्षसी। चौथा कारण क्या है? ठाकुर जी के लिए क्या लेकर के आई थी? उसने जहर विष लेकर के आई थी। लेकिन ये चार इनके अंदर में सारे अपगुण, चार ही अपगुण है। लेकिन ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, देखो भले ही तुम्हारी अंदर में जितने अपगुण क्यों नहीं हो, लेकिन अगर एक बार ठाकुर जी को पास में आओ और पुतना केवल एक बार नाटक, क्या नाटक की? बोले इतने सुंदर लाला को थोड़ी कोई पलना में झुलाता है, उसको तो गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए। इतना मात्र से ही ठाकुर जी उसको गोलोक वृंदावन भेज दिया। तब हमारे टीकाकार कहते हैं, जो पुतना थी अपवित्र थी, अगर ठाकुर जी गोलोक वृंदावन दे सकते हैं, जैसे आप लोग आए गिरिराज पूजा में अच्छे अच्छे सब कपड़े पहन करके आप स्नान ध्यान करके आए हो, तो ठाकुर जी इनको क्या नहीं देंगे? ठाकुर जी के लिए लाए थे क्या? बोले जहर बीस। अगर जो बीस देने वाले व्यक्ति को ठाकुर अगर गोलोक वृंदावन दे दे, जैसे आज गिरिराज पूजा है, आप लोग घर से कुछ बना बना कर लाए ना, मैंने तो कोई मिठाई लाई, कोई मालपुआ लाए हो, कोई मीठा चावल, कोई गढ़ी कहीं चावल हो, जो इन्हीं के लिए कोई फल लाए, उनके सबसे प्यारा चीज मक्खन मिश्री। अगर कोई मक्खन मिश्री लेकर के आएगा, अब बताओ ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे? क्या नहीं देंगे ठाकुर जी? तीसरा नंबर है, कहते श्री पुतना, पुतना लोक वाला की जो बच्चों का खून पीने वाली थी, ठाकुर उसको इतने बड़े गति दे दिए हैं। अगर कोई ठाकुर को पास में पवित्रता हो करके ठाकुर जी के लिए कोई प्यारा वस्तु लेकर के आए, फिर ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे? ठाकुर जी हैं, इसलिए कहते हैं किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि। अगर भगवान को कोई श्रद्धा भक्ति से अगर भक्ति करे, फिर ठाकुर उसको क्या नहीं देगा? इसलिए एक भक्त ने कहा, सुखदेव गोस्वामी कहते ठाकुर जी लगता है तेरा जो दरबार है ना, हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा काकासर भाजियार, बोलो उसको बाद में काकासर भाजा। बोले ठाकुर जी पुतना को अगर आप इतने श्रेष्ठ गति दे सकते हो, फिर तुम ये ब्रजवासियों को भक्तों को क्या नहीं दोगे? एक सुंदर कथा सुनो। एक समय कोई गुरु एक चेला घूमते घूमते एक राज्य में पहुंचे, वो राज्य में अब जो कुछ खरीदी करो, एक एक किलो एक रुपया, अगर रसगुल्ला भी खरीदी करो ना एक किलो एक रुपया, घी भी खरीदी करो एक एक किलो एक रुपया, रसमलाई अगर लो एक किलो एक रुपया, कहते जो कुछ खरीदी करो सबका कीमत एक रुपया। कितने पैसा?
मेरे तरफ उधर सब उधर देखने लगे। इसलिए एक किलो एक रुपया, इतने में ही जो चेला था ना, बोले गुरु जी बहुत बढ़िया जगह पर हम आ गए, अभी हम यहाँ से तो और कहीं जाना ही नहीं चाहते हैं। बोले क्यों जाना नहीं चाहते हो? बोले सब चीज एक एक रुपया, इसलिए जब हर चीज एक एक रुपया है, फिर तो हम ये दाल भात सब्जी क्यों खाए, रोटी क्यों खाए, रोज रोज राबड़ी रसमलाई खाओ, क्योंकि हर चीज एक रुपया किलो है। गुरु जी ने कहा देख बेटा, लगता है ये राज्य का जो राजा है ना थोड़ा पागल होगा, क्योंकि जब हर चीज एक रुपया है ये संतुलन सही नहीं रहेगा और राज्य चौपट हो जाएगी, लगता है ये राजा थोड़ा पागल होगा, जो तभी हर चीज को एक रुपया बोलता है। इसलिए बेटा यहाँ रहने नहीं चाहिए, चलो हम यहाँ जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाए। बस गिरिराज महाराज की जय। इसलिए जब हर चीज एक रुपया, चलो यहाँ से भाग जाते हैं। बोले गुरु जी आप चले जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो थोड़ा खा पी करके शरीर को थोड़ा एक तो मोटा सोटा बना दे। बोले गुरु जी, बोले भैया मैं तो जा रहा हूँ। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो। गुरु जी बोले देखो, जब कोई तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ जाए ना, एक ही काम करना, मेरे को थोड़ा याद कर लेना। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, जाओ। अभी एक दिन एक बुढ़िया घर में चोरी हो गई। जब चोरी करके वो व्यक्ति भाग रहा था, वो बुढ़िया ने पीछे से देखा था, वो व्यक्ति कोई एक मोटा छोटा व्यक्ति था। उसने राजा से शिकायत की, बोले महाराज मेरे घर में कल रात को चोरी हो गई। बोले तुमने देखा कि नहीं? बोले हाँ पीछे से देखा, वो व्यक्ति लंबा चौड़ा मोटा था, राजा तो थोड़ा पागल था। बोले भैया राज्य में ढूंढो सबसे मोटा चौड़ा लंबा कौन है, लेकिन ये तो खा पी करके चला, लंबे चौड़े मोटे वाले थे। इतने में ढूंढते ढूंढते सबसे मोटे चौड़ा यही मिला, बस पकड़ करके ले आए। बोले चलो राज दरबार में। बोले क्यों? बोले कल एक बुढ़िया के घर में चोरी हुई है और वो तुम्हारे जैसे मोटा लंबा चौड़ा था। बोले हे भगवान, पीछे से देखा लंबा चौड़ा मोटा मतलब नहीं था। बोले चलो राजा बुला रहे तेरे को। राजा बोले इसको सूली पर चढ़ा दो। कहां पर चढ़ा दो? कहां पर चढ़ा दो? इसको सूली में चढ़ा दो, इसको फांसी, फांसी लगा दो। वो तो डर गया। अब देखना फांसी चढ़ाने से पहले हर व्यक्ति को पूछा जाता है तुम्हारी कोई इच्छा है क्या, इसको पूछे। अभी गुरु जी की बात याद आ रही, बोले थोड़ी सी गुरु जी से मिलने की इच्छा। बोले कहां पर रहते हैं? बोले अमुक स्थान पर। गुरु जी को बुलाया। बोले बेटा क्या बात? बोले गुरु जी आप सही बता रहे थे, अंधेरी नगरी चौपट राजा टाका से खाजी, हर टाका से खाजा, लगता ही राजा कोई पागल है। पता नहीं कौन सा बुढ़िया के घर में चोरी हुई, पीछे से देखा लंबा चौड़ा मोटा, और तुम्हें खा खा कर कितना मोटा बना था, मेरे को पकड़ लिया। बोले चेले तुम्हें पहले ही से बोल रहा था चलो भागो यहाँ से, तुम माने नहीं। गुरु जी एक बार बचा लो, फिर तो यहाँ नहीं रहूंगा। बोले देख बेटा हम आपस आपस में लड़ेंगे ये फांसी में झूलने के लिए, मैं बोलूंगा मेरे को फांसी में झुलाओ और तुम बोलेगा मेरे को फांसी में झुलाओ, फिर मैं क्या करना नहीं करना मैं कर लूंगा। अभी गुरु चेला तो इतने लड़े, इतने गुरु चेला लड़े, बोले मैं फांसी में झुलूंगा, वो बोलता है मैं फांसी में झुलूंगा। अभी राजा ने सोचा भैया क्या बात है, ये दोनों फांसी में झुलने के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हैं? राजा ने गुरु जी को बुलाया। बोले बेटा इधर आजा, क्यों लड़ रहे हो? बोले राजा आपको पता नहीं, मैं जब यहाँ आया ना, मैं पंचांग देख करके आया हूँ, 100 साल को बाद में आज अमृत युग, अगर आज का दिन कोई मरे अगर फांसी में झूले ना, वो सीधा वैकुंठ जाएगा, मैं देख करके आया हूँ। गुरु जी बोले मैं फांसी में झूलूंगा, चेला बोले मैं फांसी में झूलूंगा, फिर लड़ाई शुरू हो गई। राजा ने देखा 100 साल को बाद में ये अमृत युग आया, आज जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा, अभी तो मेरी मैया बूढ़ी हो गई, कुछ दिन बाद में मरने वाले, फिर अपना मैया भी फांसी में नहीं झूला देता। राजा ने बोला भागो यहां से, तुमको फांसी में झूलने का जरूरत नहीं, मेरी मैया बूढ़ी है, आज अगर वो फांसी में झूलाऊंगा तो सीधा वैकुंठ जाएगा, भाग जाओ यहाँ से। गुरु जी बोले चेले को, बोले भैया भैया जल्दी जल्दी भागो,
जल्दी जल्दी यहाँ से भागो। और राजा ने किया कि अपना मैया को ही फांसी में झुला दिया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रश्न करते हैं, ठाकुर जी लगता है तेरे दरबार लगता है अंधेरी नगरी चौपट राजा, क्योंकि उतना जैसे व्यक्ति राक्षसी बदमाशी जो बच्चों को मारने वाले आपको कहां स्थान दे दिया, गोलोक वृंदावन। आप बताओ ये ब्रज में जो गोपियां हैं, ये ब्रज के जो सखा लोग हैं, ब्रज के जो गैया हैं जिनकी स्तन आपने पान किए, आप इनको क्या दोगे? बोलो बताओ क्या दोगे इनको जब पुतना को दे दिया। बोले देखो ये जथा माम प्रपदन्ते ताम तथीव भजामि हम, मैं सबको बराबर नहीं देता। पुतना को तो केवल धाई गति, धाई मतलब मैया की दासी रूप में जो काम करती है वो गति दिया, मैं तो मेरे जो भक्ति करते हैं मैया जसोदा के अवस्था देता हूँ। मैया क्या करती है, कन्या को खल में बांध देती है। अगर कन्या कभी मिट्टी खाए ना, सीधा मैया कान बोल देती है। अगर कन्या कभी मक्खन खाए, मैया बोली लाला तेने मक्खन खाई। कृष्ण क्या कहते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही मखन खायो। इसलिए मैं जो जैसे भजन करता है मैं उसको ठीक वैसे ही प्रेम प्रदान करता हूँ। राधा रानी अगर मान कर ले तो कृष्ण चरण में झुक जाते हैं। गोपियों को कृष्ण कहते हैं, गोपियां ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के कभी तुम्हारी ऋणी से मैं कभी ऋणी नहीं बन सकता हूँ, मैं सबको बराबर नहीं देता हूँ। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। जब श्री नंद बाबा गए हुए थे मथुरा में कर देने के लिए, लेकिन जब उन्होंने कर दे करके वापस आए, इनको पता चला कि वो पुतना राक्षस बन करके आई थी और अंदर में घुस गई और लाला को उठा करके ले लिया था। नंद बाबा बोले देखो आज से कोई एरे गेरे व्यक्तियों को घर में घुसने मत दिया करो, एकदम कड़ी पहरादार लगा दी। अगर कोई आए तो जसोदा जी और जब तक मेरे आदेश नहीं हो ब्रज घर में कोई घुस नहीं सके। इतने में श्री भोले बाबा, इनको पता चला मेरे प्रभु स्वयं कृष्ण ब्रज में गोपाल बनकर के कृष्ण बनकर के जन्म हुए। इतने में श्री शंकर जी बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए, शंकर जी अलग निरंजन जगाते हुए शंकर जी ब्रज में गोकुल में आ गए। इसलिए शंकर जी को कहते ना सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर जी को तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन शंकर जी का जो ऊपर का जो बेस है ना बड़ा अपवित्र है। बताओ शंकर जी शरीर में क्या लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, कहाँ क्या लगाते हैं, शमशान की राख लगाते हैं। गले में क्या पहनते हैं, सोने की चांदी की कोई हार पहनते हैं, सर पर हड्डी की माला। बोले क्यों शंकर जी सोने चांदी क्यों नहीं पहनते हैं? बोले भैया ये सबके सब अलग अलग कोई काम में नहीं आएगा, अंतिम समय में सबके सब परिवार वाले निकाल कर ले जाएंगे। जिस शरीर में इतने क्रीम लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया साबुन और ब्यूटी पार्लर में सजाते हैं, अंतिम में इसका परिणाम क्या है? बोले दो मुठी राख बनने वाले, दो मुठी राख बनने वाले। इसलिए शंकर जी उनको शरीर में कोई ये नहीं लगाते, क्या चंदन नहीं लगाते हैं? कहते भैया चंदन तो मेरे प्रभु की सेवा में लगे, मेरे प्रभु कृष्ण राम की सेवा में लगे। कौन सा फूल चढ़ता है, धतुरे आकंद के जितने जहरीले फूल चढ़ता है। बोले बेली चमेली जुई फूल क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? बोले जितने जितने बढ़िया बढ़िया फूल तो मेरे प्रभु की सेवा में, अगर मैं लगाऊंगा तो सारा दुनिया फल फूल ला करके मेरे सर पर चढ़ाएंगे। इसलिए शंकर जी जितने वस्तु धारण करते हैं ऊपर से देखने के लिए तो अपवित्र लगता है, लेकिन सबके सब उसका अंदर में बड़े तत्व दर्शन है, बड़े तत्व दर्शन है शंकर जी की। इसलिए अलंकार रूप में सर्प, ये सर्प कौन है? बोले साक्षात श्री अनंत देव। बोले ये अनंत देव कौन है? बोले शंकर जी के गुरु। इसलिए शंकर जी शिक्षा देते हैं
अगर जीवन में अलंकार धारण करे तो गुरु जी की उपदेश को ही जीवन में अलंकार रूप में धारण करो, जिससे तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी है। इसलिए शंकर जी अलग निरंजन, अलग निरंजन जगत के लिए आए, और वहां पर कोई एक दासी थी, बोले मैंने सुना है नंद के एक लाला भयो है। गोपी बोली लाला भयो तो तेरे कहा भयो है, बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा दे, बड़े दूर से मैं आया हूँ। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो तो देखने में बड़ी सुंदरी थी, लेकिन तू तो देखने में ऐसे लगते हो जिसको देख करके मैं ठीक घबरा रहा, इसलिए लाला का दर्शन प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए उसने जाकर के मैया जसोदा को बोल दिया, बोले मैया कहां से एक बाबा आए हो, वो कहते हैं लाला को दर्शन करा दे जिसको देख करके मेरा जी घबरा रहा है। मैया आई, बोले बाबा कहां बात है, बोले लाला को दर्शन करा दे, बोले बाबा लाला का दर्शन नहीं होएगो, इसलिए सोना चांदी हीरे जवाहरात जो लेना लो और अपना रास्ता को देखो, क्योंकि मेरे लाला को ऊपर नजर लग जाता है। शंकर जी सोच रहे, बोले हे भगवान इनको पता नहीं लाला कौन है, जिनके एक भ्रुकुटि मात्र में ये विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाए, जिनकी काल स्वयं जिनके नाम सुन करके थर 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 कांपते हैं स्वयं काल, और ये कह रहे हैं मेरे लाला डर जाएगा। इतने में तो मैया लेकर के कन्हैया को घर की कोने में छुपा दी। आज शंकर जी वहीं पर बैठ गए त्रिशूल त्रिशूल काट कर, बोले मैया जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे ना तब तक यहाँ से मैं हटने वाला नहीं। मैया बोली तू हटने वाला नहीं, जानते हो मेरे कितने दरवाजा, बोले कितने, बोले चार दरवाजा, पीछे दरवाजा से लाला को निकाल लूंगी, बोले मेरे चार रूप हैं, आप कभी गोकुल में जाओगे ना नहीं तो नंदगांव में जाओगे, शंकर जी चार रूप लेकर बैठे हुए, बोले मेरे चार स्वरूप हूँ, जिधर से निकालोगे ना मैं उधर ही दर्शन करूंगा, बोले भैया मेरे ग्यारह रूप ग्यारह दरवाजा है। शंकर जी बोले तेरे को पता है मैं ग्यारह रुद्र हूँ, एकादश रुद्र कहते हैं ना ग्यारह शंकर जी स्वरूप है, इसलिए कहीं भी निकालोगे मैं जरूर लाला को दर्शन करूंगा। अरे शंकर तो वहीं पर बैठ करके ठाकुर जी की स्मरण करने लग गए, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गो मुझे जय जय गोविंद जय जय गोपाल Yeah.
आपके सारे लीला तो मैंने दर्शन किए, लेकिन यहाँ भगवान होकर के अभी मैया यशोदा जी जो लाला बन करके आए हो, जब भूख लगे तो बच्चे क्या करते हैं, रोते हैं। मैया को पता चल जाता लाला को भी भूख लगा, फिर मैया दूध पिलाती है। अगर कृष्ण को करवट लेना तो कृष्ण करवट नहीं ले पाते। जो भगवान विश्व ब्रह्मांड को चलाते हैं, मैया क्या करती है, लाला की अंगुल पकड़ा करके ठुमुक ठुमुक करके लाला को चलाना सिखाती है। इसलिए आज भगवान कृष्ण स्वयं हैं, अभी मैया यशोदा कृष्ण को क्या की, इतने में शंकर जी बोले ठाकुर जी आप कृपा करके आपका ये बाल्य लीला को थोड़ा दर्शन करा, बाल्य स्वरूप को। कृष्ण तो भक्त वत्सल है, अभी भक्तों को दर्शन देने के लिए शंकर जी श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लग गए। अभी इतने में मैया यशोदा जितने थपथप लगाए ना, लाला तो उतना जोर जोर से ही रो, पूरा परिवार तंग हो गए, बोले क्या हो गया लाला का, ये रोना क्यों बंद नहीं हो रहा है। एक गोपी ने बोली मैया वो जो बाबा आया ना वो दरवाजा पर आंख बंद करके बैठा हुआ, कहता है जब तक लाला को दर्शन नहीं कराऊंगा मैं भटूंगा नहीं, लगता है वो आंख बंद करके तेरे लाला के ऊपर में कोई जादू ना कर रहा। इतने में मैया ने लाला को काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी, और बड़ी कष्ट से लेकर के आते हैं, बोले बाबा तू बड़ा ढीठ हो, ले लाला को दर्शन करे। एक झलक केवल उन्होंने शंकर जी को दर्शन कराया। ए शंकर तो दर्शन करते हुए, शंकर तो कृष्ण जो रो रहे थे, कृष्ण तो खिलखिलाने के हंसने लग गए, और शंकर जो हंस रहे थे ना रोने लग गए। मैया समझ गई ये बाबा जरूर जानता है, क्योंकि लाला को रोना तो लेकर के अपना हंसना दे दिया। अगर माताओं को पता चले ये बाबा कुछ हाथ देखना जानते हैं, नहीं तो कोई ज्योतिष विद्या जानती है, माताएं क्या करके गिर जाती है, बोले बाबा थोड़ा हमारे हाथ देख लो, बताओ तो हमारे भविष्य क्या है, हैं? अभी तो सारे माताएं गिर गई, बोले बाबा तेरे को कोई जादू ना आता है कि नहीं, बोले और क्या बड़ा सुंदर मैं जादू टूना जानता हूँ, बोले बताओ मेरे लाला के ऊपर बार बार ये नजर क्यों लग जाती, कोई उपाय है। शंकर तो बड़ा चालाक है, बोले एक काम करोगे ना कभी नजर नहीं लगता, बोले बता दे, बोले जब जब तुम अपना लाला को स्नान कराती हो वो जो चरणामृत को ला करके मेरे सर पर डाल दे। बोले बाबा सो कर दूंगा। बोले और कुछ करना पड़ेगा, बोले लाला को जब तुम भोजन कराते हो ना वो प्लेट में जो बच जाएगा मुझको ला करके दे देना। बोले ठीक है बाबा सो कर लो। अगर आप लोग नंदगांव गए हो कभी, कौन कौन नंदगांव गए हाथ उठाओ तो, आप अगर नंदगांव जाओगे ना देखोगे जब भगवान के अभिषेक होता है वो चरणामृत को सीधा ला करके शंकर जी के सर पर सीधा ला करके शंकर जी को स्नान कराया जाता, क्योंकि शंकर जी की जटा में कौन है, बोले गंगा है। बोले ये गंगा कौन है, ये ठाकुर जी की चरणामृत गंगा है। और क्या करते हैं, जब ठाकुर जी को भोग लगता है वो सीधा प्लेट से शंकर जी को पास में आएगा, शंकर जी पाएंगे फिर दुनिया को मिलता है। देखो यहाँ पर एक शिक्षा देती है, जितने 33 करोड़ देवता है ना, जैसे हनुमान जी, देवी जी, शंकर जी, गणेश जी, कभी भी इनको कोई डायरेक्ट वस्तु मत दो। जैसे हनुमान जी इसकी इच्छा पूरी हो जाए कहते हनुमान जी सभा मन की आपको लड्डू में चढ़ाऊंगा, और कोई कोई तो लड्डू लेकर के हनुमान के मुंह में ठोसते हैं, बोले हनुमान जी कहा भैया हनुमान जी क्या भूखे हैं तेरे लड्डू के लिए बैठेंगे, हनुमान जी खाएंगे, सवा मण किया 100 मण भी लगा दो हनुमान जी उसको तरफ फिर देखेंगे भी नहीं। इसलिए गुरु जी कहते हैं अगर वो चीज भगवान राम को भोग लग जाए, ठाकुर जी राम को भोग लग जाए, माता सीता जी को भोग लग जाए ना, गुरु जी कहते थे पर हनुमान को देने का जरूरत नहीं, हनुमान लपक कर खा ले। इसलिए जब राम दरबार में हनुमान जी कहाँ बैठे रहते हैं, प्रभु के चरण में बैठे रहते हैं। इसलिए माता जो देवी है वो भी वैष्णवी है, इसलिए ये ठाकुर जी की प्रसाद को छोड़ करके हनुमान जी, शंकर जी और कौन बता देवी, गणेश जी,
ठाकुर को जब तक कोई चीज भोग नहीं लगता है ना, ठाकुर कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। जगन्नाथ पुरी तो गए नहीं, कौन जाएगा, किस बार ले जाएंगे रथ यात्रा में, कौन रथ यात्रा में जाना चाहते हैं, सब चलो तो आप देखोगे जगन्नाथ पुरी में जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है ना, वहां पर एक व्यक्ति इतना बड़ा मजीरा, इतना बड़ा नहीं बहुत बड़ा मजीरा, इसको ले लेकर के 33 करोड़ देवता चारों तरफ पे बैठे हुए, 33 करोड़ देवता केवल भगवान की प्रसाद पाने के लिए। एक बड़ा एक व्यक्ति ऐसे लेकर के पूरा मंदिर की चारों तरफ में घूमेगा, बोले क्यों, अब जगन्नाथ जी को भोग लग गया, भगवान जी को भोग लग गया, अभी वो प्रसाद, अभी 33 करोड़ देवता वो प्रसाद के लिए बैठे हुए है, प्रभु जी आ जाओ, इसलिए वो प्रसाद के लिए वो बैठे हुए, इधर आ जाओ, वो प्रसाद के लिए बैठे हुए रहते हैं, इसलिए उनको निमंत्रण देते हैं, अभी जगन्नाथ जी को भोग लग गया, अब सबके सब आओ और प्रसाद सेवा करो, इसलिए कहते ना जगन्नाथ जी का भाग और जगत पसारे हाथ, बैठ बैठ, इसलिए भगवान की प्रसाद के लिए दुनिया तरसते हैं, इसलिए कोई भी चीज बने सबसे पहले कृष्ण को भोग लगा, ठीक है ना, फिर वो प्रसाद को 33 करोड़ देवता किसी को भी दो देना दो, लेकिन भगवान की भोग लगाए बगैर, जैसे अलग अलग देवा देवियों को जो भोग लगाते हैं ना, कोई भी स्वीकार नहीं करता, शंकर तो परम वैष्णव है, वो तो प्रभु की प्रसाद, कभी जगन्नाथपुरी जाओगे आपको हम सब स्थान दर्शन कराएंगे, वहां पर एक भुवनेश्वर है जहाँ पर लिंगराज मंदिर, पृथ्वी का सबसे बड़े लिंगराज, इतने बड़े हर जितने इतने बड़े शिव लिंगराज, जिसमें गंगा जमुना जिसमें विद्यमान, और एक शंकर जी एक शिवलिंग में करोड़ों शिवलिंग, इतने इतने छोटे छोटे करोड़ों शिवलिंग है, कहते वहां पर सबसे पहले भोग श्री जगन्नाथ जी को लगता है, फिर एक वो प्रसाद शंकर जी को लगता है, इसलिए मिया में पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाओ, फिर 33 करोड़ देवता को दो, इतने वो खुश होते हैं ना, फिर तो जो मांगो वो वही दे देते हैं, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। अभी कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए, कितने बड़े हुए, बोले 3 महीना के ठाकुर हो, आप देखना बच्चे को जब 3 महीना हो जाए ना, बच्चा करवट लेता, एक दिन कन्हैया ने करवट ले ली, मैया तो इतने खुश हो गई, बोले मेरे लाला का शरीर में ताकत आ गई, तभी तो करवट लेता ना बच्चा, अपने आप करवट ले लेता है, ए मैया खुश हो गई, राजा की बेटा है ना, कोई बहाना चाहिए उत्सव के लिए, जितने सब अड़ोसी पड़ोसी माताओं को निमंत्रण दिए, आज लाला ने करवट लियो है, घर में करवट लेने का आज हमारी यहाँ पर उत्सव करेंगे, अपना आंगन को साफ सुथरा करके जितने दूध दही था दूर पर बैलगाड़ी को नीचे ऊपर रख दी, और कन्हैया को स्नान करा के उसको नीचे ले जा दी, बोले क्यों, बोले अभी समस्त ब्रजवासी लोग आएंगे, गाएंगे नाचेंगे, लाला की नींद नहीं खोली जाए, कच्चा नहीं, फिर इसको कुछ लेना देना, अभी बच्चों को देखो ना, इनको देखो, अभी उनको नीचे लेटा दी, और जितने ब्रज गोपियां बैठी करके बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला की जय, बजरी जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला की जय, बजरी
सबसे ज्यादा किसको खुश होता है बोल सकते हो? बोले सिर्फ राधा रानी को। किसको? राधा रानी को। बोले और ज्यादा किसको खुश होता है? बोले कृष्ण को। कहीं अगर कृष्ण कथा हो ना, कृष्ण को जितना आनंद लगता है और किसी को इतना आनंद नहीं लगता है। भगवान कृष्ण बड़ी खुश होते हैं अपना कथा सुनकर के ठाकुर जी। इसलिए भगवान जो है ना स्तुति प्रिय है। भगवान जो विष्णु कृष्ण ये स्तुति प्रिय भगवान कृष्ण है। देखो ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय जयपुर में वहां गोविंद देव का मंदिर है। एक संत हर साल आकर कथा करते थे। अभी दूसरे साल में कथा करने जब आए तब उन्होंने पूछा, भैया ये बताओ पिछले साल मैंने जो कथा की थी ये कथा को मैंने कहां विश्राम दिया था? बोलो कौन बोलेगा? बोले भैया सब इधर उधर देखने लगे, झांकने लगे, क्योंकि आज जो भोजन किया ना कल ही याद नहीं रहता है। माताएं सब उधर जाओ, जो बाद में आते हैं ना सामने उसको बैठने में दिया करो, ठीक है? तुम्हें याद रखो, उसको पीछे भेज दो। इसलिए आज जो भोजन किया कल ही याद नहीं रहता, और एक साल पहले की कथा होगी, एक दूसरे को मुंह देखने लग गए। इतने में जो वक्ता था बोला लगता है यहाँ पर कोई कथा ध्यान से नहीं सुनता। इतने में भगवान गोविंद देव का मंदिर ठाकुर मंदिर से आवाज आई, बोले बाबा आप कैसे बोलते हो, कथा कोई नहीं सुनता, मैं कथा सुनता हूँ ना, मैं कथा सुनता हूँ ना।
आपने पिछले साल यहाँ तक कथा की थी, इसकी आगे कथा का प्रसंग आगे बढ़ेगा। इसलिए भगवान बड़े खुश होते हैं। इसलिए कृष्ण अभी अपनी कथा सुनने के लिए चाह रहे हैं, अपना कीर्तन का आनंद लेने के लिए। लेकिन कृष्ण का उम्र कितना है अभी, बोलो कितना उम्र है? 3 महीना के ठाकुर जी है। आज ही करवट ठाकुर लिए, अभी घुटन पर भी ठाकुर का चलना नहीं आता है। लेकिन ठाकुर जी सोचे, अगर कभी मैं रो ना, माता जी बच्चे को गोद कब गोद में उठाती है? जब बच्चा रोता है। बोले अगर मैं थोड़ा रो लू, हो सकता है मैया मेरे को गोद में उठा कर ले आएगी। इतने में कृष्ण रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोने लग गया। लेकिन वहां पर तो बड़े धूमधाम से कीर्तन हो रही थी, लेकिन मैया की कान में आवाज नहीं गई। कृष्ण सोचे कब तक रोऊं, कितना रो लिया और कितना रो, अभी भी मैया उठा करके नहीं ले जा रहा है। लेकिन कृष्ण की जो इच्छा शक्ति, जो माया, मतलब कृष्ण जो इच्छा करते है ना, जो लीला शक्ति उनकी जोग माया, ये समस्त काम को वही पुष्टि करने वाली। अभी जोग माया देगा ठाकुर का इच्छा कीर्तन में आने के लिए, उसने कंस को प्रेरणा की। कंस ने एक दैत्य को भेज दिया जिसका नाम था तृणाभर्त दैत्य। इसने पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था, एक दिन एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हुए उसकी सारे बाग बगीचा को तोड़ दिया। ऋषि को तो बड़ा क्रोध आया। बोले ठाकुर जी इसलिए तरफ इतने मोटे छोटे बनाए, संतों की बात, ठाकुर की बात को बिगाड़ने के लिए। मैं अभिशाप देता हूँ कि तुम्हारी शरीर नहीं रहेगा। इतना बोलते उसका शरीर गायब होने लग गया। उसने संत के चरण में गिर पड़े। बोले उधार कैसे होगा? बोले कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे, उनकी चरण स्पर्श से तुम्हें उद्धार होगा। अभी कंस ने तृणाभर्त को भेज दिया, सकटासुर को भेज दिया। अब ये सकटासुर आ गया। बोले कृष्ण कहाँ पर है? देखा ठाकुर जी बैलगाड़ी को नीचे लेट लिए, उसका तो शरीर था नहीं। उसने बैलगाड़ी के ऊपर में सवार हो गया। सोचा धीरे 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 दबा दूंगा तो कृष्ण दब जाएंगे। इतने में कृष्ण ऊपर देखा, मामा जी आ गए। कल से मामा है ना, उनका संबंधी सब मामा लगते हैं। बस जब मामा जी आ गए, जरूर कुछ ना करेंगे। इतने में जब दबा रहे इतना बैलगाड़ी को, कृष्ण मारे चरण की ठोकर। और यही से ठोकर मारे, वो बैलगाड़ी एकदम छिटक करके कहीं गिरी। जितने दूध दही वहां पर था सब के सब बिखर गया। इतने में ब्रज गोपियां बोली, आंधी तूफान कुछ तो है नहीं, ये बैलगाड़ी पलटी तो पलटी कैसे? सब के सब भागते भागते आए, देखा वहां पर एक राक्षस भरा पड़ा हुआ। फिर तो मैया ने कन्या को गोद में उठा करके लेकर गई। बच्चों ने तोतली तोतली बोली से बोलने के लिए कोशिश की। बोले माँ 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 हम बताए गाड़ी कैसे कैसे पलटी? बोले कैसे? बोले लाला के चरण के ठोकर से। बोले लगता है पागल हो गए, लाला अभी 3 महीना की और इसके चरण ठोकर से गाड़ी पलटी जाएगी। देखो यहाँ ठाकुर जी की चरण में कितने शक्ति को यहाँ पर दिखाया, कितने शक्ति। 3 महीना के ठाकुर जी, लेकिन चरण के ठोकर से गाड़ी को पलटा दी। लेकिन कृष्ण जब पुतना को मारे, कितना दिन के थे? केवल 6 दिन के थे। उसने दिखाया ठाकुर जी के होठ में कितने शक्ति है, ठाकुर जी की होठ में कितने शक्ति। जब उन्होंने तृणाभर्त को मारेंगे 1 साल में, उसमें दिखाया ठाकुर जी के हाथ में कितने शक्ति है, हैं? इसलिए अभी यहाँ पर टीकाकार लोग कहते हैं, माताएं ध्यान देकर सुनो, कुछ कुछ माताएं आपस में बात कर रही कथा में, आपस आपस बात नहीं करनी चाहिए, इधर कथा सुनो। इसलिए उन्होंने शिक्षा क्या दिया, कृष्ण एक शिक्षा देते हैं। बोले मैया क्या कर रही है, मेरे को कीर्तन से दूर कर दी और बैलगाड़ी के ऊपर में घर का सारे सामान को रख लिया, मतलब सांसारिक की वस्तु को तो ऊपर कर दिया, लेकिन ठाकुर को कहां लेटा दिया? नीचे। ठाकुर को नीचे लेटा दी। ठाकुर जी कहते हैं जगत में सबसे बड़ा धन क्या है? बोले जगत में सबसे बड़ा धन है ठाकुर जी। भगवान से बढ़कर के जगत में कोई धन है ही नहीं। ठाकुर जी मैं सबसे बड़ा धन रहते हुए मैया मेरे को क्या थी, अपना कीर्तन से मेरे को दूर, ठाकुर जी की मेरे को कीर्तन से दूर हटा दिए। इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया, चरण की ठोकर से मार डाले। ठाकुर जी यहाँ शिक्षा देते हैं, देखो घर में कोई भी काम हो,
सबसे पहले क्या करनी चाहिए, जैसे घर में बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, नहीं तो तुम्हारी शादी हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं तुम्हें पता है, बच्चे का जैसे बर्थडे में पता नहीं कितने लोग क्या क्या कपड़ा लगा देते, लेकिन देखना ठाकुर जी 10-15 दिन से एक कपड़ा पहनकर बैठे हुए। ठाकुर सेवा के लिए कोई चिंता नहीं, किसकी चिंता, बेटे के लिए भी, अपना लिए दिन में 2 बार कपड़ा बदला देते हैं, लेकिन ठाकुर जी 10-15 दिन से एक कपड़ा पहनकर बैठे हुए, एक कपड़ा पहनकर ठाकुर जी बैठे हुए हैं, और यार दोस्त को तो बुला बुला करके बढ़िया बढ़िया खाना खिला रही, लेकिन ठाकुर जैसे चुपके चुप ठाकुर जी बैठे, ठाकुर के लिए कोई चिंता नहीं करते हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते अगर मेरे को छोड़ करके अगर ये भूतों की सेवा करोगे ना, एक दिन ऐसे चरण की ठोकर मारूंगा तुम्हारे घर की सबसे नष्ट करूंगा। इसलिए भैया जो कुछ करो अपना बेटे के लिए मत देखो, सबसे देखो ठाकुर के लिए क्या भोजन बनाया, ठाकुर जी के लिए वस्त्र है कि नहीं, अपना लिए नहीं, शादी की सालगिरह है ना, भले ही कितने कपड़ा क्यों नहीं हो, पति को बोलेंगे भैया आज हमको इसे सूट सलवार चाहिए, पति अगर बहाना बना देते ना, अरे बहुत सारी पहन लेना, समय नहीं लाने का, लाने के लिए बोले मेरे को पैसा दो, मैं खुद ले आ, लेकिन ठाकुर जी के लिए कोई चिंता नहीं। नहीं देखो हमारे विश्वनाथ चक्र ठाकुर एग्जाम्पल देते हैं, अच्छे तरह समझो, अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ, बढ़िया से सजाओ, सजा करके शीशा के सामने खड़ी हो जाओ, आप देखना ये शरीर को जैसे सजाओगे वो जो तुम्हारी प्रतिबिंब है ना परछाई, वो अपने आप सज जाती है, अपने आप सज जाती है, परछाई को सजाने का जरूरत नहीं। मतलब क्या, मूल कौन है, ठाकुर जी। अब स्वयं देख लेना, ठाकुर जी को जितने बढ़िया भोग लगाओगे, ठाकुर जी को जितना सुंदर श्रृंगार करोगे, ठाकुर को जितने सुंदर सजाओगे, तुम अपने आप सज जाओगे, अपने आप सज जाओगे। इसलिए पहले अपने आप को मत देखो, किसको देखो, घर की मालिक जो ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी का सब कुछ भोग का व्यवस्था है कि नहीं, ठाकुर जी को खिलाने पिलाने है कि नहीं, नहीं तो ठाकुर जी अपने चरण की ठोकर मार कर सब सत्यानाश कर देंगे। ब्रसी वृंदावन बिहारी लाल की। अभी ठाकुर जी करवट लिए, अब देखना बच्चा जब करवट लेता है ना बड़ा चंचल होता है, कोई चीज दिखता है इसको पकड़ने के लिए जाता है, जैसे सांप जैसे खिसकते खिसकते जाते हैं ना। पहले हर घर में चौकट होता था, अभी नंद राजा है उनका भी चौकट ऊंची चौकट है, चौकट समझते कि नहीं, देहल चौकट समझते कि नहीं, अभी तो किसी घर में चौकट नहीं, पहले घर घर में चौकट होता था। अभी कृष्ण अपना घिसटते घिसटते सांप जैसे खिसकते खिसकते कृष्ण चौकटों को उभरा गए, जब आ गए आधा चौकट का बाहर में और आधा उनके शरीर भीतर में, जब कृष्ण वहां पर आ गए ना, कृष्ण अभी बाहर भी नहीं जा पा रहे, कृष्ण अंदर भी नहीं आ पा रहे, कृष्ण एकदम लटक गए, लटकत भगवान। अभी कृष्ण तो रोने लग गए, उसी समय में नारद जी और एक ऋषि ठाकुर को दर्शन करने आए थे, ठाकुर जी कैसे लीला कर रहे हैं, इतने में नारद जी वो लीला को देख करके बड़ी जोर से हा हा करते करते ठा लगा कर हंसे। थोड़ी देर बाद में फिर नारद जी रोने लग गए, उनको साथ में जो ऋषि थे बोले नारद जी पहले आप रोए क्यों, हंसे क्यों, ये बाद में रोए क्यों। देखो नारद जी क्या कहते हैं, बोले इसलिए पहले मैंने हंसा है ठाकुर जी की विचित्र लीलाओं को देख कर, बोले जिनके नाम लेने पर जी भव सागर से पार हो जाए, क्या ठाकुर जी चौकटों को पार नहीं हो सकते, फिर ठाकुर जी लीला क्यों कर रहे हैं, बोले अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों को कृपा करने के लिए, इसलिए ठाकुर जी भक्तों को कृपा करने के लिए ठाकुर जी ऐसे ऐसे लीला करते हैं, भक्त लोग ठाकुर को लीला में डूब जाते हैं, केवल भक्तों को आनंद करने के लिए ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। बोले रोए क्यों, बोले इसलिए मैंने रोया कि ज्ञानियों का दुर्भाग्य को देख करके, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भगवान को निराकार मानते हैं, बोले भगवान के निराकार है, उनका रूप नहीं गुण नहीं लीला नहीं, इसलिए उनको निराकार मानते हैं, इसलिए ठाकुर की सुंदर सुंदर लीला को सुनते भी नहीं और चिंता भी नहीं करते हैं, बोले इनकी दुर्भाग्य को सोच सोच करके मैं रो रहा था। अभी ठाकुर जी और धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं, जब बड़े हुए आप देखना कभी कोई माताएं
बच्चों को ऐसे हाथ में लेकर के ना उचालते हैं, है कि नहीं, ऐसे ऊपर बच्चों को लेकर उचालते हैं ना। एक दिन मैया जसोदा लाला को ऐसे लेकर उचाल रही है, कृष्ण ने देखा मैया क्या कर रही है, मेरे को थोड़ी थोड़ी उचाल रही है, मैं तो चाहता हूँ कि कुछ दिन बाद में बड़ा होगा, फिर घर घर में मक्खन चोरी करूंगा गली गलियों में, फिर कोई गोपी अगर पीछे पड़ गए किधर भागूंगा, पहले तो अली गलियों को देख ले। भैया पता नहीं कितना थोड़ी सी उचाल रही है, मैं तो सोच रहा हूँ कोई एक एरोप्लेन आ जाए बैठ जाऊं पूरा ब्रज मंडल को घूम लूं। ठाकुर की मन में इच्छा है, अब इनकी इच्छा को समझ करके योग माया ने एक राक्षस को भेज दिया जिसका नाम था तृणाव्रत। इतने में तृणाव्रत आ गया, जब तृणाव्रत आ गया कृष्ण देखा भैया मामा आ गए, कोई चिंता नहीं अभी तो मेरे को उड़ा करके ले जाएगी, लेकिन मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन अगर मैया को उड़ा करके ले जाएगी तो मैया की क्या होगी। इतने में कृष्ण इतने भोजन बढ़ा दिया जैसे कोई पत्थर की चट्टान हो, इतना भोजन बढ़ गई मैया बोली लाला को क्या हो गया, इतना भोजन कैसे हो गया, गोद में रख नहीं पाई। इतने में मैया ने कन्या को नीचे उतार दी, और इतने में तृणाव्रत आंधी तूफान बन करके आई, आकर के कृष्ण को पकड़े और सीधा पकड़ करके उड़ कर ले चले। जब ले चले बास कृष्ण की इच्छा थी ना कोई एरोप्लेन आ जाए घूम लू, सचमुच से उसको पकड़ करके कृष्ण पूरा ब्रजमंडल घूम लिए। कृष्ण तो घूम लिए जैसे कोई एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, फिर लैंडिंग करता कि नहीं, उतरता कि नहीं। कृष्ण सोचा भाई मैं उतरूंगा कैसे, अभी तो ऊपर आ गया, अभी तो वृंदावन दर्शन हो गई, अभी उतरूंगा कैसे। आप देखना बच्चों का एक स्वभाव, क्या स्वभाव, अगर किसी बच्चे को ज्यादा ऊपर उचाल दो ना वो डर के मारे गले को पकड़ लेते हैं, फिर पकड़ लेते हैं ना बच्चे। इतने में कृष्ण ने क्या किया, उसको गले को दबाया, एक गला दबाते ही वहीं पर धड़ाम करके राक्षस वहीं पर धड़ाम करके गिरा। जब धड़ाम करके गिरा, जब उसने ऊपर उड़ा करके ले लिया, मैया बोले मेरे लाला कहाँ है, मेरे लाला कहाँ। देखा वहां पर है भी, रोने लग गई, सारे ब्रजवासी वहां पर आकर इकट्ठे हो गए, लाला कहाँ लाला कहाँ। थोड़ी देर बाद में देखते हैं लाला दूर में पड़ा हुआ और एक बहुत बड़ा दैत्य मरा पड़ा हुआ। फिर मैया ने जाकर के लाला को फिर गोद में उठा लेती है, पर स्तन पान कराती है। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे वहां थोड़ी समय के लिए क्या हो गई, अंधकार छा गई, ऐसे अंधकार छा गई थी मैया देख नहीं पाई कब राक्षस ने उठा करके ले गए। देखो ध्यान देकर सुनो, यहाँ बहुत अच्छी बात बताई, जब कोई व्यक्ति भगवान की भजन करते हैं कहते भैया भजन में भी कभी कभी आंधी तूफान आता है। कोई कोई कहते ना हम इतने भगवान को भक्ति भजन करते हैं कि संसार में इतना दुख कष्ट क्यों है, कोई बोलते ना इतने दुख कष्ट क्यों संसार में। किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया, बोले प्रभुपाद भगवान की जो भक्ति करते भजन करते फिर जीवन में इतने दुख कष्ट क्यों आता है। देखो प्रभुपाद क्या उत्तर दिया, बोले दुख कष्ट दे रहे हैं मतलब है ठाकुर जी ये समझा रहे हैं ये दुनिया नहीं रहने का, यहाँ दुख ही सहने का, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इसलिए मैया कुंती भगवान से क्या प्रार्थना करती है, बोले प्रभु क्या प्रार्थना करते हैं, बोले जन्म ऐश्वर्य सुरत श्री रेद मान मद अपमान, बोले प्रभु चार व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेगा, ध्यान देकर सुनो, दूसरों को समझा पाओगे नहीं तो तुम्हारे मन खराब हो जाएगी। कृष्ण कहते जिसको उच्च कुल में जन्म हो जाए भजन नहीं करेगा, अभिमान आ जाए, ऐश्वर्य ज्यादा पैसा आ जाए ना हम सोचते हैं ज्यादा पैसा आ जाएगा ठूम ठाकुर को सेवा करेंगे। आप देख लो जब मध्यम वित्त लोग है ना वो तो ठाकुर को सेवा करते हैं, जिसको पास में जितने ज्यादा पैसा देखना कथा में नहीं आकर मिलेगा। इसे दारू की दुकान में होगा, नहीं तो कोई जुआ खेलता होगा रंडीबाजी करता होगा वहीं पर देखो, वहीं पर उनको देखोगे कथा में नहीं देखोगे। ये स्वयं मैया कुंती कह रही है, बोले प्रभु जन्म ऐश्वर्य जिसको पास में जितने ज्यादा पैसा उतना बिगड़ते हुए उसको बच्चों को परिवार को उतना ही बिगड़ते हुए देखोगे। श्री जिसको चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाए हीरो हीरोइन हो जाए हो गया भाई। ज्ञान जिसको थोड़ा ज्यादा लिखाई पढ़ाई हो जाए, बोले प्रभु ये लोग तेरे भजन नहीं करेंगे। इसलिए प्रभुपाद को किसने प्रश्न किया,
ये भक्ति करने वालों को दुख कष्ट क्यों आता है? प्रभुपाद उसका आंसर देते हैं, कहते भैया ये दुनिया दुख की स्थान है, ये सुख की स्थान नहीं, भजन करो जल्दी ठाकुर के पास में चलो, अनंत ठाकुर की चरण में है अशोक अभय अमृत आधार, तुम्हारे चरण द्वय तुम्हारी चरण में ही, अशोक अभय अमृत तुम्हारी चरण में। इसलिए इंद्र को कृष्ण खुद कहते हैं, जब उन्होंने भारी वर्षा है ना, इंद्र को कृष्ण खुद कहते हैं, जस्य अम अनुग्रह नाम हरि से तद धनव सनेहि, मैं जिसको ऊपर कृपा करता हूँ सब कुछ मैं छीन लेता हूँ, सब कुछ उसको छीन लेता हूँ। बोले छीन क्यों लेते हो? बोले तब तक दुनिया तुम्हारे पास में सारे यार दोस्त रहेगी, जब तक माल रहेगी धीरे धीरे तुमसे अलग होना शुरू हो जाएंगे। फिर वो क्या कहते हैं, भैया दुनिया में कोई किसी की नहीं, पर निष्किंचन होकर के मेरे भजन करते हैं, फिर चिरकाल के लिए अपना धाम ले लिया। भगवान खुद कहते हैं, इंद्र कृष्ण खुद कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो साधन करने वाले हैं, कभी कभी उनके जीवन में बड़ी बड़ी आंधी तूफान आ जाती है, आंधी तूफान आ जाती है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते भैया थोड़ी सी कोई दुख कष्ट आ जाए भजन मत छोड़ो, दुनिया तो एक दिन तुमसे छूटेगा ही नहीं, चाहने पर भी दुनिया तुमसे छूटेगा, काम में प्रभु की भक्ति आएगी कोई आने वाले नहीं। इसलिए कभी कभी साधक का जीवन में आंधी तूफान आती है, लेकिन आने पर क्या करनी चाहिए भक्तों को, उसमें विचलित नहीं होनी चाहिए, विचलित नहीं होनी चाहिए। क्या करो, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे गुरुदेव हम भजन कर रहे हैं बड़ा दुख कष्ट आ रहे हैं। गुरुदेव ने क्या बताया, बोले दुख कष्ट आ रहे हैं। गुरुदेव ने बोले प्रहलाद का नाम सुने हो? बोले हाँ। बोले बताओ तो प्रहलाद को पर क्या विपत्ति आई थी? उसको पिता उसको आग में बैठा दिया था ना, चीता सजा करके आग में बैठा दिया था, उसको पिताजी पहाड़ को ऊपर से फेंक दिया, सर्प को सामने फेंक दिया, हाथी को पैर को नीचे पिसवाया, काल कोठरी में बंद कर दिया, द्रौपदी भरी सभा में उसकी वस्त्र हरण हुई, 12 साल तक जंगल जंगल में, गुरुदेव कह रहे थे जंगल जंगल में घूमे, हरिदास ठाकुर जी को बार उस समय 22 बाजार में पिटाई हुई, पिटाई हुई। गुरुदेव बोले इतने कष्ट आए तुम्हारे जीवन में? बोले नहीं गुरुदेव, इतना तो कष्ट नहीं, इतने तो कष्ट नहीं आए। बोले देखो ये भक्त लोगों ने जीवन में आदर्श रूप में रख कर गए हैं, आदर्श रूप में रख कर गए, लेकिन इनके ऊपर में विपत्ति आई तो भजन क्या छोड़ दिए इन लोगों ने? बोलो पंचवाट में भजन छोड़े ना, ध्रुव जी ने छोड़े ना, प्रहलाद हरिदास ठाकुर कोई भजन छोड़े किया? इसलिए गुरुदेव बोले भैया कोई चिंता मत करो, हैं भगवान परीक्षा करते 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 देते हैं, लेकिन जब ठाकुर देते हैं ना छपर फाड़ करके देंगे, क्या करके देंगे? देखो छोटी स्टोरी सुन लो। बोले एक समय दोनों पति पत्नी बड़ी भक्ति करने वाले, बड़ी भक्ति करते हैं दोनों पति पत्नी। एक दिन उसका जो पति शौच क्रिया में गए, पहले क्या करते थे शौच क्रिया के बाद में मिट्टी से हाथ धोते थे, हैं? उन्होंने जहां से मिट्टी उठाया देखा वहां पर ढक्कन, वो ढक्कन को खोला तो देखा एक सुंदर सोने की कलसी जिसमें हीरे जवाहरात से भरा पड़ा हुआ। लेकिन वो तो निष्किंचन भक्त थे, बोले राम 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 राम, सबरे माया के दर्शन हो गए, सबरे माया के दर्शन हो गए, इसलिए उन्हें ढक्कन को ढक करके आ गए। आगे आ करके उसने अपना पत्नी से बोले देख जानते हो आज क्या भय हो? बोले क्या भय हो? बोले जब मैंने शौच क्रिया को बाद में मिट्टी हाथ में साफ करने के लिए जब मिट्टी उठाया ना, वहां पर देखा कि ढक्कन खोली तो देखा हीरे जवाहरात से भरा हुआ एक कलसी है। इतने में ठीक उसी समय में उसका घर पर पीछे को जो चोर चोरी करने आए थे, चोर ने कहा ये तो बड़ा बेवकूफ है, सोने की कलसी हीरे जवाहरात से भरा हुआ छोड़ करके आ गया, अच्छा हो गया
हम जाकर उसको चोरी करके ले आते हैं। अभी वो गए चोरी करने के लिए चोर, लेकिन था तो सोने के कलश में हीरे जवाहरात, वो संतों को दिखा। लेकिन ये चोर जब गए ना, वो खुला तो देखा उसको अंदर में बिच्छू सर्प जहरीले हैं, उसमें ततैया भरा पड़ा हुआ। ये बाबा तो बड़ा दुष्ट है, ये हमें मरवाने के लिए ऐसे बोले, बल्कि इसको लेकर उसको घर में फेंकेंगे। कोई मरे वो कलसी पूरा उठा करके लाए और उठा करके छत के ऊपर में गए, जाकर के ना करत से छत को काटे, काट करके वो कलसी को घर में फेंके, बोले तू मर। जब फेंके, लेकिन कलसी ने किया था बोलो, बोलो किया था, इसमें हीरे जवाहरात से भरा हुआ था, क्यों संतों के लिए हीरे जवाहरात, लेकिन दुष्ट ने क्या देखा, बिच्छू ततैया और सांप हैं। लेकिन जब उन्हें छत खोलकर फेंके ना, ओ फेंकते ही घर में हीरे जवाहरात बिखर गया, हीरे जवाहरात एक बिखर बिखर गया। इतने में वो कहता है ठाकुर जब देते नहीं, देते नहीं, जब देते हैं कैसे देते हैं, छपर फाड़ करके देते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए यहाँ पर कहते भैया साधक जीवन में कभी कभी थोड़ी विपत्ति आने पर भी उसमें विचलित नहीं हो करके क्या करो, भगवान की भजन करते रहो, भक्ति करते रहो। ठाकुर जब देते तुम सोच भी नहीं सकते, जब ठाकुर जी तुमको ऐसे चीज देने वाले ठाकुर जी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए, जब बड़े हुए जैसे घर में होता है ना, बच्चे को जो इच्छा उसी उसी नाम से पुकारते हैं। इतने में श्री नंद बाबा सोच रहे हैं दोनों लाला का कोई एक नाम हो जाए जिस नाम से हम पुकारा करें। लेकिन यहाँ के गड़बड़ी है। बोले क्या गड़बड़ी, नंद बाबा तो सोच रहे थे लाला मेरो है, लेकिन देवकी वसुदेव क्या सोच रहे, लाला मेरो है, लेकिन दोनों का ही लाला है। एक दिन वसुदेव महाराज ने देखा जब लाला का एक बार नाम हो जाए ना, सारा जीवन उसी नाम से पुकारते। अगर नंद जसोदा अगर लाला का नामकरण कर देंगे, नाम तो एक बार होगा, फिर जिंदगी भर उसी नाम से पुकारेंगे। इसलिए मैं मेरे जो पुरोहित गर्गाचार्य जो त्रिकाल दृष्टा है सब जानते हैं, इनको भेज करके बच्चा का नामकरण कर देते हैं। बोले गर्गाचार्य आप तो सब जानते हो, लाला मेरो है, राता रात में वहां रख करके आ गया, आप कृपा करके जाओ और लाला का कोई नामकरण करके आ जाओ। गर्गाचार्य रोम रोम खिल गया, क्यों, भगवान का नाम करने करेंगे। लाला कितने छोटे होता है ना, जब गोद में लाला को लेकर क्या करता है, लाला कपड़ा खींचता है, दाढ़ी को पकड़ के खींचता है, गोद में बैठ नहीं पाता है। बच्चों को लाला पालना की कि नहीं है, की हुई ना। और साक्षात भगवान को कोई गोद में ले, कहते यद्यपि समाधि सुविधिर भी पश्यति नतव नखाग्र मरीची। बोले जिनकी चरण की छटा को ब्रह्मा तक भी दर्शन नहीं कर पाते, आज उन भगवान को गोद में लेकर के नाम करना करना कोई साधारण बात है। गर्गाचार्य बड़े प्रसन्न होकर के आ गए। और इसे जब नंद बाबा को घर में आए, नंद बाबा कहते हैं बोले महत विचलनाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसा। कभी ये साधु संत जो घर में आते हैं क्यों आते हैं, वो अपना स्वार्थ को लेने के लिए नहीं आते हैं, वो इसलिए आते हैं हम मोह निद्रा में सोए हुए हैं। बोले जीव जाग जीव जाग, गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पिसा चिर बोले। हम जो माया की नशा में जो सोए पड़े हुए, मातृ गर्भ में जो भगवान से वायदा करके आए थे तेरा भजन करेंगे भक्ति करेंगे, हमें जगाने के लिए गुरु वैष्णव आते हैं। नंद बाबा तो प्रसन्न हो गए, अहो भाग्य है आज घर में संतों का चरण धूल पड़ा। देखो शास्त्र कहता है जिस घर में साधु संत लोग आए ना, हरि कीर्तन हो, ध्यान देकर सुनो, वो घर तो भगवान का धाम बन जाता है, क्योंकि संत लोग उपदेश देते हैं भजन की। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, साधु संतों को घर में नहीं बुलाएंगे, इतनी यार दोस्त को उल्टा पुल्टा शराब मांस खाने वाले बुलाए, अरे घर क्या हो जाता है, शमशान भूमि बन जाती है। वो घर नहीं वैकुंठ नहीं, संत लोग तो आने पर चरण धूलि पड़कर घर पवित्र हो जाती है, कीर्तन करते हैं, हमें अच्छी अच्छी बात बताते हैं। लेकिन उल्टा सीधा व्यक्तियों को बुला तो क्या होगा, वो दारू पिएंगे, मांस खाएंगे, गंदी गंदी काम करेंगे। लेकिन हम उनमें ही बुलाएंगे, संतों को घर में नहीं बुलाएंगे।
इसलिए नंदा बाबा भगवान के पिता स्वयं कहते हैं, जब तक घर में संतों का चरण धूल नहीं पड़े तब तक ये घर पवित्र नहीं होता है। संतों का चरण धूल से ही घर पवित्र होता है। इसलिए कहते हैं आज तो मेरे भाग्य जग गया। इतने में नंदा बाबा अपने आप बोल पड़े, क्या बोल पड़े, बोले जब आप कृपा करके घर में आए हो हमारे दोनों लाला का नाम करण कर दो। तो इसलिए आए गर्गाचार्य जब बहाना बनाए, बोले देखो मैं तो नामकरण कर सकता हूँ लेकिन एक दुविधा आ जाएगी। बोले क्या, अभी तेरे लाला दो तीन दत्तों को मार चुका है, अभी कल से मन में डाउट हो गया कि आप हो ना हो कृष्ण तो यही नहीं, ये तो नंद का तो ये वसुदेव का छोरा तो यही नहीं, मैं तो तुम्हारी पुरोहित है नहीं, मैं तो पुरोहित किसका हूँ, पुरोहित में श्री तुम्हारा हूँ है, पुरोहित पुरोहित उनका, इसलिए मतलब डाउट हो सकती है, है डाउट हो सकती है। बोले ये बात तो सही है, बोले एक काम करो कि जो गौशाला में छुपा करके नामकरण कर दो, अभी हम कोई उत्सव नहीं करेंगे। वसुदेव महाराज प्रसन्न हो गए, सबसे पहले उन्होंने बलदेव प्रभु का नामकरण किया। वो त्रिकाल दृष्टा ऋषि उन्होंने जब ध्यान लगा के देखे, बोले कारण तो साई गर्भो दशाई चयि साई प्रपति। नंद बाबा तुम्हारी ये जो लाला है ना ये साधारण नहीं है, इनसे जितने कारणोदशाई गर्भोदशाई चिराग्दशाई जितने विष्णु इनसे प्रकट होते हैं, अनंत का स्वरूप ये साक्षात अयम ही रोहिणी पुत्र रमयान सुहृद गुणई। ये जो रोहिणी का जो बेटा है क्या करेगा, सुंदर सुंदर लीला करके सबको आनंद देगा, इसलिए इनका नाम होगा राम। बल बला धिक्याद बलम विदु, इनका नाम होगा बल राम। क्यों, बड़ा ताकतवान होगा बल राम है, बड़ा बलवान होगा। इस चीज की एक तो शरीर की और जीव का हृदय में जो बल देने वाले, भक्ति की जो बल देने वाले कौन, गुरुदेव नित्यानंद प्रभु अभिन्न गुरुदेव है। अभी के हृदय में जो भक्ति की बल श्री बलदेव प्रभु प्रदान करेंगे। बोले श्री ताऊ भैया की जय हो। अभी उन्होंने बल्कि इसका एक नाम संकर्षण भी होगा, पहले ये देवकी गर्भ में आए फिर आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन की। इसलिए कभी अगर गोप और वसुदेव वंश में लड़ाई होगा ना, वो लड़ाई करने नहीं देगा, सबको इकट्ठे रखेगा, इसलिए एक नाम संकर्षण भी होगा। अभी कृष्ण का नाम करने करेंगे, गर्गाचार्य ध्यान लगाए, जब उन्होंने ध्यान लगाए इनकी ध्यान ही नहीं टूट रही थी। बोले क्यों नहीं टूट रही थी, बोले जिसका कोई एक दो तीन चार नाम होना उसका तो कोई नाम दे दोगे, लेकिन देखा दुनिया में जितने नाम कन्हैया का सारे नाम ही कृष्ण का, कितना हरी अनंत हरी कथा अनंत अनंत नाम है। बोले भैया वो तो चक्कर में पड़ गई, भैया नाम दे तो किसका नाम दे, कौन सा नाम दे। नंद बाबा व्याकुल हो रहे थे लाला का नाम क्या होगा, लेकिन गर्गाचार्य आधी नहीं खोल रहे थे। इतने में श्री नंद बाबा हाथ पकड़ करके हिलाए, बोले बाबा बोलो ना लाला का नाम क्या होगा। बोले तुम्हारे की जो लाला है, बोले आसन वर्णास्त्र यस्य गृह्णोत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम गतः। बोले देखो ये लाला तुम्हारी साधारण नहीं, ये हर युग युग में ही आता है, ये सत्य युग में ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, त्रेता युग में रक्त वर्ण धारण करके आया। देखो यहाँ पर और एक अच्छी बात बताए, कहते जी कलयुग होगा ना तुम्हारी ये लाला, कहते श्री नवद्वीप में श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आएगा। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। और क्या करेगा तुमको पता है, कहते पृथ्वी ते आंसे जत नवराति ग्राम सर्वत्र प्रचार हरि कर नाम। एक दिन संपूर्ण विश्व में ये श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आएंगे, सर्वत्र ये हरि कीर्तन करेंगे और लोग सबके सब प्रसन्न होकर के गली गलियों में शहर शहर में क्या होगा, भगवान के नाम गूंज उठेगा। अब सब लोग प्रसन्न होकर के एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे।
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। यदि ये बात कब का फल द्वापर जी गर्गाचार्य स्वयं बोल दिए कलयुग में महाप्रभु रूप में आने वाले। देखो एक चीज को अच्छे तरह समझो बढ़िया से भैया, जिसको जिसको पीछे भगवान भगवान पर मत भागो। अभी जो सब नए नए सब भगवान आ रहे हैं ना, हैं जैसे खेती में बीज बोते हैं ना, सब भगवान के जन्म हो रहे हैं। इन सब भगवान को चक्कर में मत पड़ा करो भैया, इनकी चक्कर में मत पड़ा करो। देखो उदाहरण है, जैसे मानो आपका दिल्ली में यहाँ पर मोदी आने वाला है, मोदी आएगा, मोदी ऐसे आ जाएगा नहीं आएगा, पहले पेपर में आएगा, अनाउंसमेंट होगा, बोले भाई अमुक स्थान पर अमुक समय में फ्लाइट में यहाँ पर उतर करके देखना, यहाँ पर पहले इसके लिए इतने व्यवस्था होता, पुलिस ऑफिसर क्या क्या आ जाते हैं। भैया साधारण है कि मोदी आने के लिए इतना व्यवस्था है, अगर विश्व ब्रह्मांड का मालिक कहीं वो बोलो का वृंदावन छोड़ करके यहाँ पर आगे से आ जाएंगे, वैसे नहीं आ जाएंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में श्री नवद्वीप में अवतीर्ण हुए। इतने पुराण पढ़ोगे, वेद उपनिषद पुराण सब जगह में महाप्रभु का नाम आता है। एकादश स्कंद में भी वहां पर बताए, बोले कृष्णा वर्णम तिसाम अकृष्णा सांग पांग अस्त्र पार्षदम जग्यै संकीर्तन प्रायै जयंती ही सुमेधस। बोले कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे किसको भक्ति करेंगे, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि को भजन करेंगे, जो हर समय कृष्ण नाम लेते हैं। अकेले नहीं पूरा परिकरों को साथ में आएंगे, जगत में हरि कीर्तन प्रचार करेंगे। इसलिए श्री गर्गाचार्य जो द्वापर युग में बोल दिए कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में जन्म लेने वाले। बोले इदानी अभी बोले कृष्ण धाम गत, अभी वो कृष्ण बन करके आए, इसलिए इसका नाम एक होगा कृष्ण नाम होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले भैया कृष्ण का तो बहुत सारे नाम है, है क्या क्या नाम है, बोले जय राधा माधव, सब मेरे पीछे पीछे ताली बजाते हैं, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव को तो बहुत सारे कृष्ण नाम क्यों दिया, कारण क्या, बोले कारण ही
अगर इसको बहुत सारे रंग का मिलाओ देखना इस समय अलग 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 रंग दिखेगा, लेकिन थोड़ा काला रंग मिला दो ना देखना वो सारे रंगों को काला अपना लेता है, वो काला ही काला हो जाता है। कृष्ण मतलब होता है काला नहीं, बोलता जैसे काला नहीं, इसलिए इंद्र नीलमणि उदाहरण दिया है ठाकुर जी को। हैं ठाकुर जी बड़े दयालु, कृष्ण मतलब होता है जो अत्यंत दयालु अत्यंत कृपालु, जो बड़े सुंदर है भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले श्री नंदन के लाल की जय। अभी वहां पर मैया जसोदा बैठी हुई थी, अभी मैया जसोदा सोच रही थी अरे ये ज्योतिष कोई काम की बात नहीं बता रहे, वो कह रहे तृतीया युग में ये था सत्य युग में ये था, अरे उसमें क्या हमारी क्या मतलब है। हाँ ध्यान देकर सुनो, ए इधर देखो माता जी बोले बात मत कर, चुप होकर बैठो बाद में आप झगड़ा करो। इसलिए उन्होंने बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। इसलिए यहाँ पर प्रश्न होता है अभी मैया जसोदा सोच रही थी ये कोई काम की बात नहीं करते हैं, बिना काम की बात करते जा रहे हैं, कहते माताओं की क्या काम की बात है, माता क्या सोचती है लाला जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए और उस घर में ब्याह हो जाए, घर में बहू आ जाए, क्योंकि जब तक घर में बहू नहीं आती है ना तब तक माताओं को सारे काम करना पड़ जाते हैं, लेकिन घर में जो बहू आ जाए क्या करती है फिर घर का सारे काम काज को ही संभाल लेती है, फिर माताओं को विश्राम मिलती है। इसलिए मैया जसोदा सोच रही थी ये काम का बात कब बताएगी, कितने में उन्होंने एक श्लोक बोल लिया बोले बहुनी सत्य नामानी सुतस्य च तवात्मज, उन्होंने एक श्लोक में वो तो एक अर्थ कह रहे हैं बहुनी सन्ति नामानी, मतलब तेरे बेटा का बहुत सारे नाम है, बड़ी बड़े बड़े अवतार हैं, इनका नाम रूप गुण लीला वेद को भी पता नहीं, लेकिन मैया जसोदा बड़ी बुढ़ी बड़ी लिखी बड़ी तो है नहीं इतनी, वो अपना मन मन में अर्थ लगा रही थी। देखो दो अर्थ होता है, बोले बहुनी मतलब मैया सोच रही है शायद ये गर्गाचार्य ये बता रहे हैं मेरे लाला की बहुत सारी बहुएं होगी, हे मैया तो खुश होगी क्योंकि जितने बहू आए उतने ना तो सास की सेवा करेगी ना, एक बहू तो थोड़ी सी सेवा करेगी ज्यादा बहुत ज्यादा सेवा करेगी। बात भी सही है, कृष्ण जब ब्रज में रहे सब करोड़ों गोपियों को साथ मरा सकता है, एक तो राधा रानी थी फिर ललिता विशाखा चंपक लता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी रूप मंजरी रति मंजरी कितने कितने उनकी स्त्रियां हैं, कितने बहुएं थी। फिर कृष्ण जब द्वारका जाते हैं 16108 पटरानी में से फिर शादी होती, इसलिए सचमुच से बहुत सारी बहू है। मैया तो बड़ी खुश हो गई, बड़ी खुश हो गई, बोले रूपाणी कोई काली होगी कोई गोरी होगी कोई साबरन वर्ण की, बोले कोई बात नहीं बहू होनी चाहिए, घर में बहू आ जाए किस तरह से, क्योंकि मैया को कितने उम्र में बच्चा हुआ है एकदम बुढ़ापा में बच्चा हुआ है, और घर की काम करते करते कब तक ये काम को मैं संभालूंगी, बहू आ जाएगी कम से कम सारे काम को ही संभाल लेगी, फिर बैठ बैठ करके फिर रोटी चुपड़ी में रोटी मिलेगी ना, इसलिए मैया तो बड़ी खुश होगी है। और उन्होंने बोले अभी ज्योतिष ने काम की बात बताई, फिर उन्होंने बोले देखो स्त्रिया अतिरिक्त्यानुभावे ना, वहां पर भी श्री गर्गाचार्य कहते हैं वो अकेले नहीं आएंगे, बोले स्त्रिया स्त्रिया मतलब श्री राधा रानी भी आएगी है, किसकी बेटी बोले कीर्ति की मैया की बेटी श्री कृतिका सुंदर की बेटी श्री राधा रानी बन करके आई, उनने साफ बात बता दी। ए मैया तो खुश हो गई, लाला को सीधा ज्योतिष के चरण में लेकर गई, ए गर्गाचार्य का डर गए बोले क्यों, उनको पता स्वयं भगवान ये ठाकुर जी बोले कहां प्रेमियों को बीच में अपने फंस गया, इतने में उन्होंने बच्चे को ऊपर से थोड़ी थोड़ी आशीर्वाद दे करके चले गए। जब चले गए जितने बड़ी बड़ी गोपियां इकट्ठी हो गई, बोले ज्योतिष ने लाला को नाम क्या रखा है, बोले बड़ा बेटा का नाम रखा बलराम और छोटा बेटा का नाम रखा कृष्ण, बोले भैया कृष्ण नाम तो सुंदर नाम है लेकिन ये जीवा जब तक तीन बार टेढ़े नहीं हो जाए ना, देखना ये नाम भी नहीं निकलती है,
कृष्ण नाम बोले तीन बार की बात टेढ़ी हो जाती है, कृष्ण भी तीन जगह से टेढ़े हैं। बोले नाम तो बड़े अच्छे हैं। बोले ठीक है, ये नाम को तो जन्म पत्री में रखने रहने दो, लेकिन घर में जो नाम प्यार का नाम ना, कन्वा और बलुआ, कन्वा और बलुआ नाम से हम पुकारा करेंगे। बोले कन्वा बलुआ की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्रज वृंदावन बिहारी भैया सुंदर बन बाले बोले वृंदावन बिहारी लाल की, के राधे मेरी स्वामिनी, की राधे मेरी स्वामिनी, अरे श्री काली कमली वाला मेरा याद है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। और ऐसे नहीं, जरा ठाकुर जी को बताते हुए नाचते झूमते गाते हुए, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मैं तो तुम्हारे लिए
बछड़े सखाओं को चोरी की, जब कृष्ण की विभूति को उन्होंने दर्शन की, ब्रह्मा जी भी कहते हैं तद भूरि भाग्यमिह जन्म की अटव्यां जत गोकुलापि कथमांगिरि राजोभिषेकम्। ब्रह्मा जी कहते प्रभु जी, ब्रज के बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं, अगर उनके घर को सामने पत्थर जन्म हो जाए, अगर वे लोग हमारे सर पर चरण रगड़े तो
उनकी चरण धूल मिलेगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। कौन मांग रहे? ब्रह्मा जी। शंकर भी ब्रज में आए, गोपी बन करके आए, माँ लक्ष्मी भी, और उद्धव भी क्या कहते हैं, बोले आशा महो चरण रेणु जो सार महंग श्याम, वृंदावन किमपि गोलमल दोष दिना। कौन मांग रहे? बोले श्री उद्धव जी, जो कृष्ण की अत्यंत प्रिय सखा है। कृष्ण जिनके लिए कहते हैं, उद्धव जी तू मेरे जितने प्यारे हैं, उतना प्यारे तो मेरे बेटा ब्रह्मा भी नहीं, उतना प्यारे हरि हर एकात्मा शंकर भी नहीं, उतना प्यारी लक्ष्मी भी नहीं, बलदेव भी नहीं, मैं भी इतना प्यारा नहीं, तू मेरे जितने प्रिय हो। उद्धव जैसे व्यक्ति क्या कहते हैं, बोले ब्रज में हमें ये घास जन्म मिल जाए। बोले घास जन्म क्यों पाना चाहते हो? बोले जब ब्रज गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए जाएगी, शंकर का जाना पड़ेगा ना, अगर हम घास बनकर के रहेंगे गोपियों की चरण धूल मिल जाएगी। बोले वहां पर लता पता भी बनने क्यों चाहते हो? बोले ठाकुर जी जब प्रमद मदन लीला कंदर कंदर से, ठाकुर जब कंदरा कंदरा में कुंजो कुंजो में लीला करेंगे, अगर लता पता बने रहेंगे तो उनका दर्शन मिलेगा। बोले वहां के औषध वृक्ष रूप में क्यों पाना चाहते हो? बोले कभी बीमार पड़ेंगे दवा तो लेंगे, फिर हमारी हृदय में उनके हृदय में मैं चले जाऊंगा। ये बात को कौन कह रहे हैं? उद्धव जी। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, भैया क्या बात क्या है, ये ब्रजवासी लोग ये चरण धूलिया का धूल क्यों चाहते हैं? बोले साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दो, ध्यान देकर सुनो, साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दो, ये कृष्ण खुद कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले अनु ब्रजामि अहम नित्यं उयेत अंघ्रिरे। कृष्ण खुद कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? बोले भैया मैं ये ब्रजवासियों को पीछे 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 चलूंगा, जब चरण धूल उड़ करके मेरे सर पर पड़ेगा मैं पवित्र बन जाऊंगा। कौन कह रहे हैं? ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, इनकी चरण धूल से मेरी पाप नष्ट हो जाए, है मेरी पाप नष्ट हो जाए, रीली से मैं उड़नी बन जाऊं। कौन? कृष्ण खुद कहते हैं। इसलिए ये तिलक को देखो, ध्यान देकर सुनो, इसलिए तिलक की कितने महिमा है। एक समय श्री नारद जी भगवान से पूछे, ठाकुर जी जगत में सबसे प्यारे भक्त तुम्हारे कौन है? बोले मैं समय आने पर बता दूंगा। एक दिन ठाकुर जी जान बूझ कर बुखार सर दर्द की लीला की, वसुदेव महाराज डॉक्टर वैद्य को बुलाए, हैं वैद्य को बुलाए, देखे सही नहीं हुआ। इतने में नारद जी बोले, प्रभु जी तेरे नाम लेने पर जीव भवसागर से पार हो जाता है, बीमारी से तेरे नाम से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन आज तुम्हारी बीमारी कैसे हो गई? आप बताओ तुम्हारी बीमारी सही कैसे हो गई? बोले देखो मैं सही हो सकता हूँ अगर मेरे कोई प्यारे भक्त अगर चरण धूलि दे, उसमें मेरे को स्नान कराया जाए तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, फिर तो मेरे बुखार सर दर्द सही हो जाएगा। बोले नारद जी दुनिया कहते तू मेरे परम भक्त हो, एक बार तू चरण धूलि दे मेरे को दे दे। बोले राम 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 राम, प्रभु क्या आपका चरण धूलि दे के नरक जाऊंगा? बोले यहाँ पर भी बड़े बड़े भक्त है द्वारका में, इससे भी ले आओ, लेकिन कोई भी देने के लिए तैयार नहीं हुए। जब तैयार नहीं हुए वापस आ गए, बोले कोई दिए ही नहीं। बोले वृंदावन गया? बोले प्रभु के बोले वृंदावन ही नहीं गया। बोले नारद जी असली जो भक्त है ना मेरे वृंदावन में, एक बार वृंदावन जाकर के तू दे। जब वो वृंदावन में आए ना, जब ब्रजवासियों को पता चला कृष्ण द्वारका से आए हैं, सब के सब इकट्ठे हो गए। बोले बताओ हमारे लाला कैसे, हमारे कान्हा कैसे हैं? बोले ठाकुर को तो सर दर्द बुखार है। बोले दवा नहीं दिए? बोले दवा तो लेने के लिए आया हूँ। बोले क्या दवा? बोले ठाकुर जी बोले कोई भक्त अगर मेरे को चरण धूलि दे दे, उसमें मेरे को अभिषिक्त किया जाए तो मेरे सर दर्द बुखार सही होगा। ब्रजवासी बोले कोई बोरी भरी लाया कि नहीं लेने के लिए? कोई बोरी भरी लाए हो? बोले नहीं। इतने में जितने ब्रजवासी थे ना, वो चरण को रगड़ रगड़ करके धूल निकाले और गठली बांध करके उन्होंने कृष्ण के सर पर रख, नारद के सर पर रख दिए। बोले जाओ कृष्ण को स्नान करा देना। इसको तो देख करके नारद तो अक्के बक्के चक्के रह गए। बोले तुम लोगों को पता नहीं कृष्ण भगवान है, तुम भगवान की चरण धूलि दे रहे हो, क्या नरक की रास्ता खाली कर रहे हो? देखो इनकी क्या उक्ति है ब्रजवासियों का।
बोले नारद जी एक जन्म नहीं, अगर करोड़ों जन्म के लिए कृष्ण के सूख के लिए अगर हमें करोड़ों जन्म के लिए अगर नरक जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयारी, लेकिन कृष्ण का थोड़ा हम धूप नहीं सकते, कृष्ण की हम धूप नहीं देख सकते हैं। नारद जी बोले भैया असली भक्त यही पर, असली भक्त तो ब्रजवासी लोग हैं, इसलिए उद्धव जी जिनकी चरण की धूल प्रार्थना करते हैं। इतने महिमा ये चरण धूल की, देखो ये जो तिलक लगाए ना जरूर तिलक लगाए करना, शास्त्र कहता है जिनके ललाट में तिलक नहीं है वो ललाट शमशान सदृश है। क्या सदृश है? शमशान सदृश उसकी ललाट है जिसकी ललाट में तिलक नहीं। जगत का पति के लिए इतने मान भर लिया है, इतने सिंदूर और क्या क्या नाक में फूल क्या क्या लगा लेते हो, लेकिन पति का जो पति परम पति क्या तुम्हारे पास में लक्षण है? कोई चीज नहीं। इसलिए पुराण कहता है बोले लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा नित्य तस्य भवत देह जस्य पद्मांकित तनो। ये पुराण कहता है जो लोग तिलक धारण किए उनके शरीर में कौन है? बोले माँ लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा हरिवल्लभा गायत्री सावित्री गीता सीता राधा सब शरीर में। बोले गया गंगा कुरुक्षेत्र ये जितने सारे तीर्थ है ना उसको शरीर में निवास करते हैं जिसकी शरीर में ये तिलक धारण करते हैं। इसलिए जब महाराज जमदूतों कहते हैं हैं जिसकी ललाट में तिलक धारण देख लोगे समझना ये ठाकुर जी की भक्ति करने वाले भजन करने वाले दूर से प्रणाम कर लेना। दूर से अपना वहां से जिसकी ललाट में तिलक होगा और गले में तुलसी की कंठी धारण किए होंगे। इसलिए भैया जरूर गले में कंठी तिलक धारण करो, कंठी के बगैर जैसे ठाकुर को भोग लगाते हो भले ही छापान भोग छत्तीस व्यंजन लगा दिया लेकिन तुलसी दल नहीं दिया तो ठाकुर एक भी चीज को ग्रहण नहीं करते हैं। उसी तरह जब तक गले में हम तुलसी कंठी धारण नहीं करते हैं ये शरीर ठाकुर को समर्पित नहीं होता। ठाकुर पंच रचित ये अधम शरीर इसमें टाटी पेशाब खून पीक के सिवाय कुछ भी नहीं। ब्यूटी पार्लर में जाओ सब धज करके एक घंटा दो घंटा बैठी करके केवल पांच मिनट धूप में आ जाओ देखना मैं रोम रोम से बदबू आएगी, रोम रोम से बदबू आएगी। इसलिए ये शरीर अपवित्र टाटी पेशाब का थली, लेकिन जब इसमें तुलसी करके धारण कर लेते हैं ये शरीर ठाकुर को समर्पित हो जाता है, ठाकुर जी के चरण में सेवा में लग गई। अगर गले में कंठी नहीं तो बोले ये शरीर अपवित्र शरीर है। इसलिए गले में तुलसी कंठी जब महाराज कहते हैं कंठी तिलक जरूर गले में धारण करनी चाहिए। देखो यहाँ पर देखो अंग्रेज सब लड़का लड़की बैठी, हम तो भारत के ये तो हमारी संस्कृति है लेकिन देखो इनको देखो गले में कंठी तिलक धारण करके बैठे हमें शर्म लगता है। ठाकुर जी का देखो कृष्ण को देखो तिलक है कि नहीं, राम को देखो तिलक है कि नहीं, नारायण को देखो तिलक है कि नहीं, हनुमान जी को देखो तिलक है कि नहीं, गणेश जी को देखो तिलक है ना, लेकिन हमें शर्म लगता है। भगवान को शर्म नहीं लगता है लेकिन हमें शर्म लगती है, तिलक कैसे लगाएंगे हैं? हमारी हमारी प्रेस्टीज डाउन नहीं हो जाएगा ठीक है नहीं। इसलिए क्या करो तिलक धारण करो जरूर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए श्री कृष्ण अभी समझ रहे हैं भैया ये ब्रजवासी लोग क्यों ये ब्रज रज को क्यों प्रार्थना करते हैं, ये ब्रज रज में है क्या चीज, क्यों ये सबके सब ये ब्रज रज के लिए तरसते हैं, किस लिए तरसते हैं? इसलिए एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में खेलते खेलते उन्होंने ब्रह्मांड घाट में आए और सखाओं के साथ में खेलते खेलते ठाकुर ने मिट्टी खा ली। जब उन्होंने ठाकुर जी मिट्टी खा ली इतने में सखा लोग ने मना की कन्या मिट्टी क्यों खा रहे हो पेट खराब हो जाएगा, लेकिन सुने नहीं खाते जा रहे। इतने में सखाओं ने मैया जो साथ दस्ता से उन्होंने शिकायत कर दी बोले मैया आज लाला तो मिट्टी खा रहा है किसकी बात नहीं सुन रहा है। मैया को तो बड़ा क्रोध आ गया बोले अभी तक तो ये चोरी चोरी करके मक्खन खाता था मिट्टी खाना शुरू कर दिया। ए मैया तो सीधा डंडा लेकर के आ गई कहाँ पकड़ी कृष्ण का सीधा कान पर बोले अपवित्र बोले जिनका नाम लेने से जी पवित्र होते हैं लेकिन मैया कहती अपवित्र तुमने मिट्टी खाई। अरे कृष्ण तो सफेद झूठ बोल दिए
बोले ना अहम भक्षित बानम भो सर्वे मिथ्या भी संसिन। भैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले तू एक सत्यवादी हरिश्चंद्र का सब झूठे है। बोले हाँ भैया मैं एक सत्य सत्यवादी हरिश्चंद्र सब झूठे है। बोले मैया आज कहा भैया तेरे को पतो है कल क्या भयो। बोले मैया तेरे को पतो है ये सखा लोग घर से लड्डू कचड़ी मालपुआ सब चोरी चोरी करके लाते हैं। मैया तेरे को पतो है मैं कभी चोरी का चीज खाता नहीं। मैया बोले अच्छी तरह से पता तू क्या करता नहीं करता। अरे मैंने खाया नहीं तो इनको पता चला तो खाया नहीं घर में शिकायत कर देगा चुगली करेगा। अरे मैं चुगली करने से पहले ये हमारी नाव पर चुगली कर दी है ये चुगली कर दी। इतने में कृष्ण ने कहा देख मैया अगर मैंने मिट्टी खाई तो मुंह से तो खाई। बोले हाँ बोले तुम मुंह खोल कर देख ले। इतने में दाऊ भैया को कुछ बोले दाऊ तू बता ये मिट्टी खाई कि नहीं। दाऊ भी गवाह दे दी बोले मैया मैंने आंखों से देखा मिट्टी खाते हुए। कृष्ण बोले मैया ये जो दाऊ है ना ये ऊपर में तो देखने में बड़े गोरो हैं लेकिन अंदर में बड़े काला है ये कारो है। लेकिन मैया मैं तो ऊपर से कालो हूँ लेकिन अंदर में बड़े गोरो हूँ। यहाँ पर कृष्ण बड़े तत्व दर्शन कहते हैं बलदेव प्रभु ऊपर से देखने में गोरे हैं बोले अंदर से काले क्यों। आप कभी ब्रज में जाओ जितने बलदेव प्रभु देखोगे ना किसको गोरे नहीं देखोगे सब काले देखोगे। क्यों वो कृष्ण चिंता करते करते काले हो गए। बोले मैया ऊपर में तो काला कारो हूँ लेकिन अंदर से गोरो हूँ। मतलब क्या राधा रानी गोरी। बोले आत्मा तो राधिका है वो मैं तो हर समय से राधा रानी को चिंता करता हूँ। इसलिए कलयुग में कृष्ण ने क्या की राधा जी की भाव और अंगकांति लेकर के श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आए जगत में हरि नाम को प्रचार किए। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की कोई जय कोई है बोलते हो और जोर से बोलो ठाकुर का जयकार करो तो अपना है बोलो। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। इतने में मैया कृष्ण ने बोले मैया मिट्टी खाई तो मुंह से खाई देख ले। कृष्ण सोच रहे तो हो सकता है मैया मान जाएगी लेकिन मैया मानने वाला कहा उसको पता लाला बड़े दुष्ट है। इतने में मैया तो धमकी दिखाई बोले मुंह खोल में देखना चाहता हूँ। जब मुंह खोले इतनी सी छोटी मुंह में उन्होंने अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिए। कितने ब्रह्मा शंकर नदी नाल नक्षत्र मैया जैसा खुद को खुद देख रही थी। इतने में मैया तो डर गई हे भगवान मैं क्या देख रही हूँ क्या अलाई बलाई में देख रही हूँ। विश्व ब्रह्मांड तो ठाकुर की मुंह में होता है। अभी मैया सोचने लग गई हो ना हो लाला तो भगवान ने। इतने में कृष्ण डर गए तो गड़बड़ी हो गई। बोले क्या गड़बड़ी हो गई अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ। जैसे घर में सालग्राम के लिए छोटी सी मंदिर बनाई और ठाकुर जी के लिए थोड़ी सी बातास नहीं तो दूध भोग लगा देती और घंटी हिला करके बोले तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविणा तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देव। जैसे मैया फिर क्या करती मंदिर बंद कर देती है। अगर मैया को पता चला मैं भगवान मेरे लिए भी छोटी सी मंदिर बनाए और मेरे को भी घर में भोग देती बता से भोग लगाकर बंद कर देगी फिर तो सखा को साथ में मैं इतना आनंद ले रहा हूँ लीला बंद। कृष्ण डर गए। जब डर गए इतने में कृष्ण की जो इच्छा शक्ति जो माया इच्छा शक्ति मतलब कृष्ण जो चाहते हैं जो इच्छा को पूरी करने वाले जो माया डर गई प्रभु डर गए। इतने में सारे लीला को उन्होंने अंतर ध्यान कर दिया। देखा वही छोटा सा मुंह कुछ नहीं। मैया सोच हे भगवान लगता है मेरे लाला के ऊपर में कोई अलाई बलाई लग गई कोई भूत लग गई। मेरे काली गैया की पूछ से झाड़ लगवा दिए राई मूंग की मंत्र करके लाला के ऊपर छिड़काव कराती है ये भूत उतर जाए। देखो यहाँ पर बहुत शिक्षा दी। अब ये बताओ कृष्ण मिट्टी खाए कि नहीं बताओ कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं। तो कृष्ण यहाँ झूठ कैसे बोले भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। दुनिया क्या बोलेगा जब भगवान झूठ बोले कोई दोष नहीं और झूठ बोले हम ही दोष भगवान झूठ बोलने पर दोष नहीं। लेकिन हमारे श्री वल्लभाचार्य कहते नहीं अगर ठाकुर जी झूठा हो गया तो दुनिया झूठा हो जाएगा। उनको कहते ना सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्य
सत्यस्य ज्योतिरिदं च सत्ये सत्यं परम धीमहि भगवान। परम सत्य भगवान है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते है ठाकुर जी। अरे यहाँ पर बोले ठाकुर जी मैंने मिट्टी नहीं खाई। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, इसका दो कारण बता रहे। पहला कारण बताया जो शब्द है ना अहम, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना अहम भक्षिता, संधि विच्छेद करके मैं नहीं मिट्टी खाई, एक अर्थ हो गया। लेकिन इसको जब अलग नहीं करके एक शब्द करोगे होता है ना हम। ना हम का एक मतलब होता है ब्रह्मांड। बोले मैया तुम मिट्टी की क्या बात करती हो, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड मैंने खा करके रखा, तेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, देख मेरे मुंह खोल करके ये सारा दुनिया दिखा दिया, एक कारण। दूसरा कारण बताए खाना किसे कहते हैं। हमसे जब कोई चीज अलग होगा तब तक खाना कहते हैं ना, खाए कोई अलग चीज। बोले मैया मैंने मिट्टी खाई कब, देख ये विश्व ब्रह्मांड तो मेरे मुंह में ही था, दुनिया तो मेरे मुंह में विद्यमान, घर में खाई कब, इसलिए मैया मैंने कुछ नहीं खाई, सारा दुनिया मेरे अंदर में विद्यमान है। इसलिए ठाकुर जी ये सब उन्होंने सिखा देते हैं। बोले मैया तू ये सोचो कि मिट्टी में अकेले खाता हूं, नहीं मैया ये ब्रज रज के लिए तो ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव भी ब्रज रज के लिए तरसते हैं, देख ये विश्व ब्रह्मांड, देखो इस विश्व ब्रह्मांड को मैंने ये ब्रज रज दिया, मैया मैंने अकेले नहीं खाए। और कृष्ण यहाँ सिखा देते हैं कि जो ब्रज धूल है कहते हैं ना राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए है, इसलिए विश्व ब्रह्मांड ब्रज रज के लिए तरसते हैं। इसलिए आप लोग भी ये तिलक रूप में ब्रज रज को जरूर धारण करना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो आज हमारी सौभाग्य है हमारे बीच में, आप इनको देखे हो कोई, कौन जानते हो, सारा गांव जानते हो, ये आपकी घड़ी के है, प्रभु जी घड़ी के है, इसलिए इन्होंने जिंदगी भर साधने की और सारा दुनिया में महाप्रभु का भक्ति प्रचार करते हैं। और जो हमारे जो गौड़ीय फिलोसफी प्रभुपाद का जो विचार है ना, प्रभु जी बहुत अच्छी तरह से ये हमारे प्रभुपाद का जो विचार जिसने हमारे ये गौड़ीय मठ की स्थापन किया, बड़ी सुंदर विचार को कहते हैं। इसलिए आज हमारे सौभाग्य वशत प्रभु जी आज कृपा करके दर्शन दिए हैं प्रभु जी, इसलिए आज निकले ताली बजाओ प्रभु जी हमारे साथ में आए। अभी प्रभु जी आपको ये जीवन हमें क्यों मिला है, ये जीवन का सार्थकता किस चीज में है, इसलिए ये जीवन का उद्देश्य किया है। आज प्रभु जी हमें बड़ी अच्छी 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 हमें उपदेश सुनाएंगे। कल जैसे हमारे पद्मनाभ महाराज जीत प्रभु वो लोग आए थे, बहुत अच्छी अच्छी हमें बात बताई जीवन का क्या मूल्य महत्व है। आज हमारे जीत प्रभु श्री संजय प्रभु भी हमें अच्छी अच्छी बात बताएंगे। हमारे निगम पार्षद आए हैं, क्या नाम, अभिषेक दत्त, प्रभु जी इधर आ जाए, आप इधर आ जाए संजय प्रभु जी, गौरंग को बुला लो, गौरंग ने बुलाया, क्या है गौरंग, बात बात नहीं महाराज की जय। शिवा क्या क्या है कि तुम पागल, तुम अनिक जब आएगा सब कुछ दिखा दूँगा। गौरांग गौरांग कहाँ है, ये गौरांग गौरांग इधर आ जाओ, गौरांग इधर से आ जाओ, इधर हाँ इसने मेरा एक गौरांग गुरु महाराज की।
जी हो गया, अभी कथा हो गया। शिवा आप नीचे जाओ। क्या हेलो वृंदावन बिहारी लाल संजय ब्रह्म हरे कृष्णा बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि श्री गौरव भक्त वृंद
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पर जोर बोले इतना आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा इच्छा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। और एक बार तीन बार बोलनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु भागवत जगत गुरु नारायण गोस्वामी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडक प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीलापरिष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडक प्रणाम। समस्त रूपानुकूल परंपरा के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडक प्रणाम। सभा शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय मुख सभा श्री गोविंद गुरु श्री राधा विनोद बिहारी जय मुखु उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति विदान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। अन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी श्रीमद भागवत श्रवणकारी श्रोत मंडली सबके चरणों में मेरा जथा नृत्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप लोग पूज्यपाद महाराज जी के मुख से कितने दिन हो गए आज? छह दिन हो गए। छह दिन भागवत कथा सुन रहे हैं। श्रीमद भागवत में बताया आप इधर थोड़ी देर कान देना है, ध्यान देना थोड़ी देर इधर। हम देखे आपने छह दिन क्या कथा सुनी। दो एक बातें आपसे पूछेंगे। यदि आपने बता दी तब तो समझ में आएगा कि आपने भागवत कथा सुनी है और हमारा पूछना भी उचित है। देखो कृष्ण ब्रज में कितने वर्ष तक कृष्ण ने लीला की? प्राय 11 वर्ष तक। फिर कहां चले गए? फिर चले गए मथुरा और मथुरा से फिर लौट करके आए। लौट करके आए कि नहीं आए हैं? कहां आए? लौट करके फिर आए ब्रजवासियों के पास में। मथुरा में होली गेट से होकर के आए। जब होकर के आए ना होली गेट से सबसे मिले तो कृष्ण किसी से कह रहे हैं अरे चाचा जी आप कैसे हो, गले लग रहे हैं। किसी से कह रहे हैं अरे भैया आप कैसे हो, गले लग रहे हैं। तो ऐसी बहुत वर्षों के बाद में यहाँ पर लौट करके आए ना तो ऐसा ही लग रहा है। कोई यहाँ चाचा बैठा है, कोई यहाँ ताऊ बैठा है, कोई यहाँ भैया बैठा है, कोई बहने बैठी है, जितनी बैठी है कोई बहने बैठी है, ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में आ गए। तो फिर हमारा कुछ पूछना भी उचित आपसे। देखे कितने दिन आपने भागवत कथा सुनी। देखो भागवत कथा सुनी तो भागवत की कथा को सुनने का एक फल बतलाया। भागवत कहती है यस्याम श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूप पद्धति पुंसाम शोक मोह भयावह। यदि किसी ने वास्तव में भागवत कथा सुनी है, केवल शरीर से नहीं बैठे भागवत कथा में, यदि वास्तव में किसी ने भागवत कथा सुनी, मन देकर के सुनी। आप लोगों ने भागवत की कथा में प्रारंभ में सुना होगा गौकर्ण का और धुंधकारी का उपाख्यान आया ना। एक कहानी सुनी थी ना गौकर्ण की और धुंधकारी की। गौकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए कथा कही। धुंधकारी कौन था? धुंधकारी वास्तव में हाथ में देखा बेटा था। हुआ क्या? मर करके क्या हुआ? प्रेत हो गया है? तो गौकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए कथा कही। समझ में आ रही तुम्हारे? वो कथा केवल धुंधकारी ने अकेले सुनी ना बहुत सारे और लोगों ने सुनी। कितने लोगों ने सुनी? बहुत सारे लोगों ने सुनी है। किंतु पहली बार में जब विमान आया वैकुंठ से विष्णु दूत आए सबको ले गए। किसको लेकर गए? केवल धुंधकारी को। क्यों? क्योंकि धुंधकारी ने मन देकर कथा सुनी। बाकी सब कथा में केवल शरीर से बैठे थे। तो सबने प्रश्न पूछा भैया इनको लेकर जा रहे हो, हमको लेकर क्यों नहीं जा रहे? तो विष्णु दूतों ने कहा देखो हमसे तो कुछ छुपा नहीं है इसलिए आपको सत्य बात बता देते। आप केवल कथा में शरीर से बैठे थे, मन से आपने कथा नहीं सुनी है। मन से हमने नहीं सुनी तब तो फिर दोबारा सुननी पड़ेगी।
गौकर्ण जी ने दोबारा कथा कही, सबने मन देकर कथा सुनी, फिर वैकुंठ से विमान आए, विष्णु दूत सबको साथ में ले गए। समझ में आ रही बात? तो केवल शरीर से बैठोगे सुकृति होगी, कुछ कुछ सुकृति कुछ पुण्य होगा, किंतु भागवत कथा सुनने का जो वास्तव में फल है वो वास्तव फल प्राप्त नहीं होगा जब तक भागवत की कथा में बैठकर मन से उसको सुना नहीं और मन से सुनकर उसको अपने जीवन में आचरण में लाए नहीं, चरित्र भागवत के जैसा किया नहीं है। जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक भागवत को सुनने का वास्तव फल नहीं मिलेगा। हमारे प्रभुपाद जी, ठाकुर प्रभुपाद जी, जिन्होंने सारे गौड़ीय मठों की स्थापना की, वो एक समय बैठे थे कलकत्ता में, कहाँ बैठे थे, तो उनसे मिलने के लिए एक व्यक्ति आए, बहुत धनी व्यक्ति, प्रभुपाद जी का प्रचार आरंभ हुआ था, जो मिलने के लिए आए उनका नाम था साक्षी गोपाल बड़ा, क्या नाम था, बड़े धनी व्यक्ति। वो जाते थे जाति गोसाई के पास में भागवत कथा सुनने, जो पैसे लेकर कथा करते ना उनसे कथा सुनने जाते थे, उनकी कथा सुनकर के आए थे। समझना बात को ध्यान से, आज वो है ना, क्या है, आजमपुर है, जिसने कथा ठीक से सुनी उसको तो प्रसाद मिलेगा ठीक से, जिसने कथा ठीक से नहीं सुनी उनको दोनों में प्रसाद मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो ठीक से सुनना, जो प्रसाद बांटेंगे ना उनको ऐसा निर्देश दे दिया गया है, इनसे पूछना आज क्या कथा सुनी, तो इसलिए मन देकर ध्यान से सुनना। प्रभुपाद जी बैठे थे कलकत्ता में और एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आए, बड़े धनी व्यक्ति, क्या नाम था, भूल गए, झट से भूल गए, उनका नाम था साक्षी गोपाल बड़ा, बड़े धनी व्यक्ति। सुनने जाते थे एक व्यक्ति की भागवत कथा, जो पैसे दे करके भागवत कथा करते थे और उस पैसे से अपना परिवार चलाते थे। कथा सुनकर क्या है, और प्रभुपाद जी से कहते हैं, समझ रहे बात को ध्यान से, प्रभुपाद जी से कहते हैं, आज मैं अमुक गोस्वामी की कथा सुनकर के आया, कथा सुनी, मैंने देखा जितने लोग कथा में बैठे हुए ना, जब उन्होंने राधा जी और कृष्ण के और ब्रजवासियों के मिलन का प्रसंग कहा, सब लोग बड़ा प्रसन्न हो गए, और जब कृष्ण से ब्रजवासियों के विरह का प्रसंग कहा, सब लोग रोने लगे, उनकी कथा सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। प्रभुपाद जी ने कहा, अच्छा एक बात बदला होगा, कथा सुन करके हृदय गदगद हो गया, जब उन्होंने कृष्ण के विरह का प्रसंग कहा तो रोने लगे, कृष्ण के मिलन का प्रसंग कहा हंसने लगे, यदि वास्तव में कृष्ण की कथा को सुना तो घर में वापस में जाकर विषय भोगों में कैसे लग सकते हैं। समझ में आ रही तो बात, कथा सुनते समय तो बड़े भाव आ रहे हैं, किंतु कथा सुन करके झट सीढ़ी से नीचे उतरे और बस फिर कहां लग गए, बस संसार की माया में लग गए, फिर संसार के सारे कामों में लग गए। तो वास्तव में कथा सुनना हुआ, कथा सुनना हुआ नहीं। वास्तव में कथा सुनना किसको कहेंगे, एक बार यदि कथा सुनी भागवत की, प्रभुपाद जी के शिष्य थे पूज्यपाद भक्ति हृदयगम गोस्वामी महाराज, और धुरंधर पंडित थे, सबसे पहले विदेश में प्रचार करने गए, बोले बड़े धुरंधर पंडित, बड़े ऊंचे कुल के ब्राह्मण, वो अपने पिताजी का इलाज कराने आए बांग्लादेश से कलकत्ता, दवाई लेने जा रहे थे, प्रभुपाद जी भंडार में कथा कह रहे थे, भागवत का एक श्लोक है, लब्धवासु दुर्लभम इदम् बहुसंभवानन्ते मानुषम् अर्थमनित्यम् अपि हि धीरा दूरं जतेत् न पतेदम् मृत्यु यावत् निश्रेयसा विषया खलु सर्वथा स्यात्। अरे ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, प्रभुपाद जी श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। उन्होंने रास्ते में जाते जाते दो चार शब्द सुने प्रभुपाद जी के, दो चार शब्द, अधिक नहीं सुना, दो चार शब्द सुने, पिताजी की दवाई को दे दी किसी के हाथ में, जाकर पिताजी को देना, पिताजी मरने वाले थे, मर गए बाद में, स्वयं कथा में बैठ गए और प्रभुपाद जी के साथ साथ सब कुछ छोड़कर चले गए मंदिर में। समझ में आई बात? इसको कहते वास्तव में भागवत कथा सुनना। यदि मन देकर के भागवत सुनी, उसको अपने जीवन में उतारा, भागवत के अनुसार अपने चरित्र को बना लिया, अपने जीवन को बना लिया, आचरण को बना लिया, तो क्या होगा, फिर भागवत सुनने का जो सर्वोत्तम फल है वो मिलेगा। वो सर्वोत्तम फल क्या है, क्या है वो सर्वोत्तम फल, भागवत स्वयं कहेंगे, यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूप पद्धते पुंसां शोक मोह भयापहा। यदि थोड़ी सी भी किसी ने भागवत कथा सुनी, मन देकर और अपना ली है, तो क्या होगा, शोक मोह भयापहा, जितना जीवन में शोक है सब चला जाएगा, जितना भय है सब चला जाएगा है, और क्या चला जाएगा, शोक मोह भयापहा, जितना मोह है ना सब कुछ चला जाएगा। यदि किसी ने वास्तव में थोड़ी सी भी भागवत कथा सुनी, तो अब अपने मन में झांक करके देखो हमने वास्तव में कितनी भागवत कथा सुनी, शोक चला गया हमारा, मोह चला गया हमारा, भय चला गया हमारा,
धीरे 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 सब चला जाएगा। यदि भागवत की कथा को मन देकर सुनो और उसको अपने जीवन में आचरण में ले जाओ, वास्तव में सब कुछ चला जाएगा। सब समय आनंद ही आनंद दिखाई देगा। कभी कोई शोक नहीं होगा, कभी कोई दुख नहीं होगा, हमको भी नहीं होगा, हमारे आसपास में रहने वाले किसी को भी नहीं होगा। समझ में आ रहे हो तुम्हारे? ये भागवत की कथा को सुनने का वास्तव लक्षण है। देखो, हम प्रतिदिन अच्छा भोजन करेंगे, हम यदि प्रतिदिन अच्छा भोजन करेंगे तो क्या होगा? उसका लक्षण दिखाई देगा शरीर में कि नहीं होगा? दिखाई देगा। तो जैसे अच्छा भोजन करने का लक्षण शरीर में दिखाई देगा, वैसे यदि अच्छा संग करेंगे, उस अच्छे संग का लक्षण जीवन में नहीं दिखाई देगा। अंग्रेजी में कहावत है, अंग्रेजी में कहावत है, यदि आप किसी व्यक्ति के चरित्र को जानना चाहते हो तो उसकी संगत को देख लो, वो किनके बीच में उठता बैठता है, उसकी संगत को देख लो, आपको उस व्यक्ति के चरित्र का अनुमान हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यदि किसी के चरित्र का अनुमान करना है, कैसे पता चलेगा व्यक्ति कैसे चरित्र का है? उसकी संगत को देख लो। यदि उसकी संगत अच्छी है तो मान लो कि व्यक्ति का चरित्र भी अच्छा है। इसलिए यदि भागवत कथा मन देकर सुनी, यह उसका लक्षण है। अब आप लोग भागवत की कथा को सुन रहे हैं, कितने वर्षों में सुनते सुनते। देखो, भागवत की कथा को सुनने का एक वैशिष्ट और बताया, उसको भी समझना ध्यान से। भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद। भागवत का जो पहला स्कंद है, उसमें जो पहला अध्याय है, उसका जो दूसरा श्लोक है, उसमें इस भागवत का वैशिष्ट बताया गया। ये भागवत वास्तव में है क्या? भागवत की कथा वास्तव में है क्या? भागवत धर्म वास्तव में है क्या? अभी महाराज जी बता रहे थे ना, तिलक लगाया, कंठी ले ली, जनेऊ ले लिया, दीक्षा ले ली। तो जिन्होंने दीक्षा ले ली वो अपना परिचय कैसे देंगे? हम भागवत धर्म का पालन करने वाले हैं, वैष्णव धर्म का पालन करने वाले हैं, जैव धर्म का पालन करने वाले हैं। समझ में आ रही तो बात? तो ये भागवत धर्म कैसा है? भागवत धर्म का वैशिष्ट्य क्या है? जो वैष्णव हो जाते हैं उनका चरित्र कैसा होना चाहिए? भागवत में बड़ी सुंदर एक बात बताई, मैं बड़ी सरल भाषा में कहूंगा। हमारे गुरु महाराज जी बड़ी सुंदर सुंदर भागवत की कथा बताते हैं, थोड़ी सी कथा सुन लो। भागवत के श्लोक में बतलाया, धर्म प्रोजिम कैतवो अत्र परमो निर्मल शरणाम सताम वैद्यम वास्तव मंत्र वस्तु शिवतम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वर सद्यो हृद अवरुद्धते अत्र कृतिभि श्रुश्रुषु भीस्तत्क्षणा। कहते, यदि किसी ने इस भागवत की कथा को सुना, इस भागवत धर्म का पालन किया है, कितने सारे लोगों को देख रहे माला लेकर के बैठे हैं, कितने सारे लोगों ने तिलक लगाया है, कितने सारे लोगों ने दीक्षा ले ली है, तो वो सुनो ध्यान से इस बात को, हमारे गुरु जी बतला देते। यदि वास्तव में हम भागवत धर्म का पालन कर रहे हैं, यदि वास्तव में हमारी दीक्षा हो गई, यदि हम वास्तव में भक्ति कर रहे हैं, तो उसका लक्षण बतलाया और विस्तार से बतलाया। कहते, इस भागवत धर्म का वैशिष्ट्य क्या है? इस भागवत धर्म की विशेषता क्या है? धर्म प्रोजित कैतवो अत्र। कहते, इस भागवत धर्म में किसी भी प्रकार की कपटता का कोई स्थान नहीं। सबसे पहली बात क्या है? किसी भी प्रकार की कपटता का कोई स्थान नहीं इस भागवत धर्म में। तो यदि कोई वास्तव में भागवत धर्म याजी है, तो हमारे गुरु जी कहते थे, भैया सबसे पहले कपटता को छोड़ देना पड़ेगा। समझ में आ रही तो बात? जितने प्रकार की कपटता है ना, उस कपटता को सबसे पहले छोड़ देना पड़ेगा। कपटता का अर्थ समझते हैं? क्या होती है कपटता? क्योंकि हमको अच्छे से पता है, हमको अच्छे से पता कपटता क्या होती है। कपटता क्या है? भीतर में एक भावना है, बाहर में एक भावना है। ठाकुर जी के मंदिर में जाएंगे, भागवत की कथा सुनने जाएंगे, किसके जाएंगे? किसने जाएंगे मंदिर में? 10 रुपए का भोग लगाएंगे और ठाकुर जी से क्या कहेंगे? हमारे बेटे की नौकरी लगवा दो। बेटे ने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की, जब परीक्षा का समय आएगा ठाकुर जी के मंदिर में जाएंगे, वो गिरिराज जी जाएंगे, बहुत सारे लोग वो अभिषेक कर देंगे। गिरिराज जी से क्या कहेंगे? बेटे ने तो कुछ किया नहीं, अब आप ही करो। बेटे ने तो कुछ किया नहीं, उससे तो कुछ होगा नहीं, आप करो, आप सब करने वाले हो। ये है कपटता। ठाकुर जी के निकट में जाएंगे, थोड़ा सा कुछ भोग चढ़ाएंगे और फिर क्या करेंगे? बहुत कुछ मांग लेंगे उनसे। तो ये सब है कपटता। यदि वास्तव में कपटता नहीं छोड़ी तो क्या होगा? गंगा जल में स्नान करना नहीं होगा, केवल गंगा को स्पर्श करना होगा, बस भागवत में बैठना होगा। तो हमारे गुरु जी कथा सुनाते थे, कपटता क्या है? मुख से तो कहेंगे सब ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, सब ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, किंतु भीतर में क्या है? भीतर में एक दूसरी भावना। हमारे गुरु जी कथा सुनाते बोलते बोलते स्मरण हो गए,
सुनो ध्यान से, बड़ी रोचक कथा है। बंगाल में एक वकील थे, बहुत बड़े वकील, उनका नाम था आनंद बाबू। क्या नाम था? उनकी पत्नी उनको बड़ा स्नेह करती थी, बड़े वकील थे। प्रतिदिन जाते कचहरी में तो गुरुजी बताते थे, कपटता किसको कहते वास्तव, जैसे हम कहते ना मुझसे, महाराज जी सब आपके लिए, गुरु जी सब आपके लिए, ठाकुर जी सब आपके लिए, सब हो गया, केवल मुझसे बोलने से हो जाएगा, तो मुझसे बोलने से होगा। चाबी कहती है हमारे पास, चाबी हमारे पास में तिजोरी आपकी है, ऐसी हमारी अवस्था। ये सब कपटता है, जब तक स्वयं को नहीं अर्पण किया तब तक कुछ अर्पण करना हुआ। तो वो थे बड़े वकील, क्या नाम था उनका, जोर से बोलो। अब उनकी पत्नी उनको करती थी बड़ा स्नेह, बड़ा स्नेह। प्रतिदिन वो जाते जब कचहरी में तो उनके लिए टिफिन पैक करके देती, क्यों, वो बाहर की कोई वस्तु नहीं खाते थे, बाहर की कोई वस्तु नहीं खाते, कोई मिलावटी वस्तु नहीं खाएंगे। अब एक दिन उनको बड़ी शीघ्र जाना पड़ा कचहरी में, क्या थी जिरह हो रही थी, एक केस की जिरह हो रही, उनको जाना पड़ा। तो पत्नी ने टिफिन नहीं दिया, उन्होंने मन में विचार किया बाजार में से कुछ अच्छी वस्तु मंगा करके खा लेंगे। किसने विचार किया, आनंद बाबू। उनका एक सेवक था, उसका नाम था रामा, क्या नाम था। अब उन्होंने कचहरी में उनको बड़ा समय लग गया, सेवक था बड़ा निष्ठावान सेवक, जो स्वामी बोलते हैं, जो आनंद बाबू बोलते, दौड़ करके सब करेगा। बाहर से क्या बोलेगा, बाबू सब आपके लिए, बाबू सब आपके लिए, मेरा जीवन आपके लिए। अब इनको उस दिन हो गई कथा में बड़ी देरी हो, कचहरी में बड़ी देरी हो गई, तो उन्होंने रामा को बुलाया, रामा आज तो घर से कुछ भोजन लेकर नहीं आए, ये 5 रुपया ले जाओ और बाजार से रसगुल्ला ले आओ, लेकिन देखो बंगाली भाषा में कहते भेजाल जीनिस मत लाना, भेजाल जीनिस समझते हो, कोई मिलावटी वस्तु मत लाना, देख करके अच्छा वाला लाना। अब ये कोई निष्ठावान सेवक है ना, जिसने कहा बाबू सब आपके लिए, वो दौड़ा बाजार में, एक दुकान से रसगुल्ला लिया, सस्ता समय था, 5 रुपए में 4 रसगुल्ले आ गए, बड़े बड़े राजभोग, कितने आ गए। अब दोपहर का समय, उसके मन में क्या विचार आ रहा है, अरे मेरे बाबू ने प्रसाद पाए नहीं, दोपहर भी होगी, बड़ा विलंब हो गया, भूख लग रही है, दौड़ना आरंभ किया, देखो कितनी निष्ठा है, दौड़ना मार्ग में पूरा रास्ते में दौड़ता जा रहा है। अब दौड़ते दौड़ते उसके मन में एक विचार आया, क्या विचार आया, मेरे बाबू तो कोई मिलावटी वस्तु खाते नहीं, मेरे बाबू कोई मिलावटी वस्तु खाते नहीं, तो मैंने तो चक्कर के देखा नहीं ये मिलावटी है कि नहीं है, मैंने तो चक्कर के देखा नहीं। तो झट मार्ग में रुक गया, एक रसगुल्ला निकाला खा लिया, अब देखा है मिलावटी नहीं है, बड़ा अच्छा है। फिर दौड़ना आरंभ किया, दौड़ रहा, झट उसके मन में एक विचार आया, अरे मेरी माँ कहती थी 3 चीज अपने शत्रु को भी नहीं देना, तो बाबू तो मेरे शत्रु नहीं है, मेरा स्वामी है, 3 चीज कैसे दे दूं। तो झट रुक गया, फिर एक और रसगुल्ला खा लिया, अब फिर दौड़ रहा, पसीने में लथपथ हो गया, फिर दौड़ रहा, फिर मन में क्या विचार आया, अरे मेरे बाबू जो भी खाते हैं ना आधा मेरे लिए छोड़ देते, मेरे बाबू जो भी खाते हैं आधा मेरे लिए छोड़ देते, आज तो विलंब हो गया है, यदि मैं बाबू को दे दूंगा बाबू फिर मुझको बुलाएंगे, देरी हो जाएगी, मैं पहले ही अपना भाग खा लेता हूँ। एक और खा लिया, अब कितना बचा, 1 बचा, बाबू सब आपके लिए, दौड़ा दे बाबू के टेबल पर जाकर रख दिया, बाबू ने हाथ धोकर पैकेट खोला, देखा अरे रामा तुझको तो 5 रुपया दिया, 5 रुपया में तो 4 आना चाहिए, तू 1 देकर क्यों आया, बोला बाबू सब आपके, अरे सब मेरे लिए, 4 बोला था 1 देकर क्या आया, क्यों, बोला बाबू आप खाओ ना, इतना प्रश्न क्यों पूछते, बोला नहीं पहले बताओ, अरे बाबू आप तो भेजाल वस्तु नहीं खाते ना, मिलावटी वस्तु नहीं खाते, मैंने एक चक्कर के देख दिया कि मिलावटी है कि नहीं, अरे एक चक्कर तो फिर तो 3 बचना चाहिए, अरे बाबू आप खाओ ना, इतना प्रश्न क्यों पूछते हो, सब आपके लिए बाबू सब आपके लिए, अरे मेरे लिए क्या किया, बाबू मेरी माँ कहती थी 3 वस्तु शत्रु को भी नहीं देना, तो आप तो मेरे बाबू हो ना, आपको कैसे दे सकता हूँ, मैं एक और खा लिया, अरे तो फिर भी 2 बचना चाहिए, बाबू सब आपके लिए, अरे आपको आज विलंब हो गया, आप उसको बुलाओगे, अरे रामा तू अपना भाग खा ले, आपको कष्ट नहीं देना चाहता, इसलिए अपना ही खा लिया। अब उसको सुनकर के बड़ा क्रोध आया और झट खड़ा होकर बोला, अरे रामा तूने 3 रसगुल्ले कैसे खा लिया, कैसे खाया देखो रे, उठाकर एक बार खा लिया, कैसे खाया देखो रे, उठाकर एक बार खा लिया, बाबू सब आपके लिए। तो हमारी भी भक्ति ऐसी है भैया, ठाकुर जी सब आपके लिए, सब आपके लिए, तो हो रहा है सब बाबू के लिए,
सब हो रहा है गुरु जी के लिए, तो सब कपटता छोड़नी पड़ेगी। जब तक कपटता रहेगी ना हृदय में, तब तक भगवान अपने स्वरूप को, गुरु अपने स्वरूप को, भागवत अपने स्वरूप को तब तक प्रकाशित नहीं करेंगे जब तक हृदय में कपटता होगा। इसलिए महाप्रभु जी के परिकर हुए, उनका नाम था जगदानंद पंडित जी। सुना है नाम जगदानंद पंडित जी, जो द्वारका में सत्य भामा है ना, वही महाप्रभु के परिकर हुए जगदानंद पंडित जी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, कहते हैं सुनना बात को ध्यान से, वो कहते हैं विद्या भले, धन भले, पांडित्य भले, चैतन्य नहीं पाई। कोई समझेगा विद्या के बल से भगवान को पा लूंगा, नहीं पा सकते। पांडित्य के बल से भगवान को पा लूंगा, नहीं पा सकते। धन के बल से, विद्या के बल से, पांडित्य के बल से भगवान को नहीं पाया जा सकता। केवल भक्ति वश चैतन्य गोसाई, भगवान किसके वशी होते हैं? एकमात्र भक्ति के, एकमात्र भक्ति के। और भक्ति करने के लिए जो योग्यता चाहिए ना, बस एक ही योग्यता चाहिए और कोई दूसरी योग्यता नहीं है। जगदानंद पंडित जी ने बड़ी सरल बात बताई, इसको अपने हृदय में ले जाना है, हृदय में ले जाना। जब कथा सुनने जाएंगे ना कुछ संग्रह करके लेके जाना होता है, तो अभी प्रसाद संग्रह करेंगे उधर में करेंगे, तो प्रसाद अच्छे से संग्रह करेंगे, तो विचार भी कुछ संग्रह करके लेके जाना चाहिए हृदय में। यदि विचार जीवन लाभ देंगे सारा जीवन, इसलिए विचार लेकर के चले जाना भाई। हमारे प्रभुपाद जी कहा करते थे, कथा सुनने जाओगे, धाम की परिक्रमा करने जाओगे, थोड़ी सी छाप ले आना, छाप समझते हो, थोड़ा सा इंप्रेशन ले आना, कथा सुनने बैठे क्या विचार लिया, थोड़ा सा विचार ले करके आ जाना, उससे ही बड़ा मंगल हो जाएगा। इसलिए जगदानंद पंडित जी क्या कहते, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, सरल होइते गोरार शिक्षा बूझिया नहीं। भक्ति करने के लिए यदि कोई वस्तु की आवश्यकता, यदि कोई योग्यता चाहिए ना, बस एक योग्यता, दूसरी कोई योग्यता नहीं चाहिए। इस बात को गांठ बांध लो, क्या योग्यता चाहिए? सरलता चाहिए, केवल सरलता। यदि सरलता जीवन में आ गई, निष्कपटता जीवन में आ गई, भगवान बड़े सहज रूप में मिल जाएंगे। बताओ भीगनी शबरी देवी में कौन सी योग्यता थी? कोई योग्यता? केवल अपने गुरु जी के वचनों पे विश्वास था। माधव ऋषि जी ने केवल इतना कहा था, राम आएंगे, राम आएंगे, तुम अपेक्षा करना, यहीं उनको दर्शन देने आएंगे। वर्षों तक अपेक्षा करती रही। कोई बुद्धिमान थी? सुना कभी, बहुत बुद्धिमान थी, बड़े धनी घर की थी, शबर जाति की थी, भीगनी थी, किंतु गुरु जी के वचनों पे विश्वास किया सरलता पूर्वक। अब बताओ यदि शबरी में बहुत सारे शास्त्र पढ़े होते, गुरु जी के वचनों पे विश्वास होता है? सरलता, सरलता थी, शास्त्र पढ़कर भी गुरु के वचनों पर विश्वास होता है, यदि गुरु वैष्णव की कृपा होगा। इसलिए भक्ति करने के लिए क्या आवश्यकता है? केवल सरलता, केवल सरलता की आवश्यकता। इसलिए भागवत में बनता है, यदि भागवत को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, यदि अपने जीवन को भागवत के अनुसार बनाना चाहते हो, तो क्या करो, ये कपटता, जितने प्रकार की कपटता है ना, इस सारी कपटता को छोड़ दो। यदि इस कपटता को छोड़ करके इस भागवत धर्म का आश्रय ले लोगे, तो क्या होगा? बस दो ही बात कह रहे भगवान, अधिक बातें नहीं कहते भगवान। भगवान जानते हमारी स्थिति क्या है, हम कलयुग के जीव है, तपस्या कर नहीं सकते हैं, तपस्या की तो बात छोड़ो, दो मिनट के ध्यान करने बैठेंगे मन लग जाता है तो मंत्र में। बहुत सारे लोग हमारे निकट में आते, पूछते प्रभु जी मंत्र करने बैठते हैं ना, बीच में ही मंत्र भूल जाते हैं, बस आरंभ किया था और समाप्त किया, यही पता होता, मंत्र कब पढ़ दिया पता ही नहीं चलता है। ये तो हम कलयुग के जीवों की अवस्था है। तो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़ी सरल सी बात कह देते हैं, केवल इतना कर लो, सब प्रकार की कपटता को छोड़ करके हृदय को सरल बना दो। यदि हृदय को सरल बना करके गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भगवान का थोड़ा सा भी भजन कर लिया ना, थोड़ा सा भी भजन, तो क्या होगा उसका फल? बड़ा महान फल होगा। क्या फल होगा? सत्यो हृद अवरुद्धते। जिस भगवान को बड़े बड़े ऋषि मुनि शिवजी ब्रह्मा सब ढूंढ रहे हैं ना, वो भगवान सत्यो हृद अवरुद्धते बड़ी शीघ्र हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। समझ में आ रही बात? यदि थोड़ा सा भी अपने जीवन को, अपने चरित्र को सरल बना करके गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भजन कर दिया ना, थोड़ा सा भी भजन, तो क्या होगा? सद्दो हृदय अवरुद्धते, भगवान हृदय में आकर के रुक जाएंगे। ऐसे रुक जाएंगे, इच्छा करने पर भी वहां से नहीं जा पाएंगे। सारा जगत भगवान को ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है कि नहीं? शिव जी ढूंढ रहे हैं, ब्रह्मा ढूंढ रहे हैं, उद्धव जी ढूंढ रहे हैं, सब तपस्या कर रहे हैं, भगवान मिलेंगे? भगवान मिलते? भगवान ने ब्रज में जन्म लिया और शिव जी भी ब्रज में आए, दर्शन मिल गया उनको भगवान का, मिला उनको भगवान का दर्शन। यशोदा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं, हमको कृष्ण का दर्शन करा दो, मैया कह रहे नहीं,
आप तो अघड़ रूप लेकर के आए हैं, आपको देखने से तो मेरा लगा डर जाएगा, आपको कैसे दर्शन करा दूं। ब्रह्मा जी को दर्शन मिला कृष्ण का, ब्रज में आया अपराध कर दिया, ब्रजवासी लोग चिढ़ा रहे हैं, चौमुआ कहकर के चिढ़ा रहे हैं, दर्शन मिला। ब्रह्मा जी शिव जी जिसका दर्शन करने की चेष्टा करते हैं, थोड़ा सा जीवन को यदि सरल बना लिया ना, थोड़ा सा सरल गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भजन कर लिया, विश्वास रखो मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे गुरुवर कह रहे हैं, भागवत कह रही है, सत्तो हृदय अवरुद्धते, अवरुद्धते समझते हैं, आकर के भगवान हृदय में अटक जाएंगे, वहां से बाहर नहीं जा पाएंगे। एक हमारे गुरुवर थे, उनका नाम था बिल मंगल ठाकुर, क्या नाम था जोर से बोलो, आधे इधर देख रहे, आधे उधर देख रहे, आधे देख रहे, भोग लगाए कि नहीं लगा, कब तक कथा सुननी पड़ेगी, अरे थोड़े एक घंटा दो घंटा ही कथा नहीं सुन सकते, इच्छा कर रहे भगवान मिल जाए हमको, प्रार्थना करेंगे मंदिर में जाकर ठाकुर जी मिल जाओ, मिल तो जाएंगे समान लोगे, मिल तो जाएंगे ठाकुर जी समान लोगे, थोड़ी देर के लिए अपने चित्र को लगा नहीं सकते हो, ब्रजवासी जैसे रात दिन अपना चित्र लगा करके रखते हैं कृष्ण, लग जाएगा हमारा चित्र, थोड़ी देर के लिए मन देकर सुन लो। एक गुरु वर्ग थे, उनका नाम था बिल मंगल, क्या नाम था, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी, क्यों आंखें फोड़ दी, मैं जगत की किसी भी वस्तु को नहीं देखूंगा, केवल कृष्ण का दर्शन करूंगा, कृष्ण का दर्शन तो जड़ीय नेत्रों से होता नहीं, कृष्ण का दर्शन तो अंतर हृदय में होता है, आंखें फोड़ ली, अब जाएंगे वृंदावन, जब आंख फूट गए तो वृंदावन कैसे जाएंगे, उनके मन में विचार आया वृंदावन जाऊं कैसे जाऊं, कृष्ण आ गए झट से, कृष्ण ने आकर पूछा बाबा वृंदावन जाओगे, कहां जाएंगे, तो मैं ले जाऊंगा, तुम ले जाओगे, हाँ मैं ले जाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लिया। अब ये बिल मंगल जी जाते जाते पूरे मार्ग में कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, क्या जप रहे हैं, किंतु जब कृष्ण स्वयं आ गए ना, बिल मंगल जी ने उनसे पूछा लाला तेरा नाम क्या है, कृष्ण का मेरा नाम है गोपाल, अभी तक तो जप रहे थे कृष्ण कृष्ण, अब कृष्ण ने जब हाथ पकड़ लिया तो क्या जपने लगे, गोपाल गोपाल गोपाल। अब बिल मंगल जी को आश्चर्य हुआ, बाले न चपले न, अरे इस बच्चे ने आकर के मुझको मेरे आराध्य देव का नाम भुला दिया, ये बच्चा कौन है, जट हाथ पकड़ के बिल मंगल जी पास लेकर आना चाहा, कृष्ण हाथ छुड़ा करके भाग गए, कृष्ण हाथ छुड़ा करके भाग गए, जब हाथ छुड़ा के भागे ना, बिल मंगल जी समझ गए, अरे ये कोई दूसरा नहीं, ये कौन है, ये तो कृष्ण ही है। तो बिल मंगल जी ने बड़ी जोर से आवाज लगा करके बोला, अरे मेरा हाथ छुड़ा करके भाग गए हो, इसमें कोई बड़े पौरुष की बात नहीं है, मेरे हृदय से यदि निकल करके भाग कर दिखाओ तब मानो आपका कोई पौरुष है, मेरे हृदय से निकल जाओ, मेरे हृदय से निकल जाओ, हृदय यदि निर्यासी, अरे हाथ छुड़ा कर भाग गए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हृदय से यदि भाग करके दिखाओ तब मानो आपका पौरुष है, तब मानो आप बलवान, ऐसे भगवान हृदय में आकर बैठ जाएंगे, सत्तो हृदय अवरुद्धते, हृदय में आकर के बंध जाएंगे, इच्छा करने पर भी बाहर नहीं जा पाएंगे। ये जो ब्रजवासी लोग हैं इनको इन्होंने कृष्ण को बांध करके रखा है, बताओ अभी ब्रजवासियों की बात सुन रहे हैं, कृष्ण को बांध करके रख रखा है, कृष्ण ने इच्छा की मैं मथुरा जाऊंगा, मैं देखो क्या किया ब्रजवासियों ने, बांध दिया कृष्ण को, नहीं तुमको नहीं जाने देंगे, बांधा नहीं बांधा, किंतु नारद जी एक बात कह रहे भाई, नारद जी कौन है, हमारे संप्रदाय के बहुत श्रेष्ठ गुरु, नारद जी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहते देखो जगत के लोग क्या समझते हैं, बात को सुनना ध्यान से, नारद जी कहते हैं जगत के लोग ये समझते हैं कृष्ण ने ब्रजवासियों को मोहित कर रखा है, समझ में आ रही तो बात, जगत के लोग क्या समझते हैं कृष्ण ने ब्रजवासियों को मोहित कर रखा है, कहते झूठ बात है, नारद जी कहते झूठ बात है, मैं प्रमाण हूं, मैं प्रमाण, नारद जी कहते मैं गया स्वयं ब्रज में और मैंने ब्रज में जाकर के क्या देखा, अरे ये ब्रजवासियों ने ही कृष्ण को मोहित कर रखा है, मैंने ब्रज में जाकर क्या देखा, ये ब्रजवासियों ने ही कृष्ण को मोहित कर रखा है, कृष्ण ने ब्रजवासियों को मोहित नहीं किया, कृष्ण को भूल गए मैं भगवान हूं, सब कुछ भूले बैठे हैं। तो नारद जी कह रहे द्वारका वासियों को, अरे मैंने जाकर के कृष्ण के कान में कहा था अभी बड़े सारे देव कार्य बाकी है, बहुत सारे देव कार्य बाकी है, अभी कंस का वध भी करना है, अभी आपको बहुत कुछ करना है, तब कृष्ण को विचार आया, ओ हम तो सब कुछ भूल करके बैठे थे, ये ब्रजवासियों के प्रेम में हम तो सब कुछ भूल करके बैठे थे। तो नारद जी कहते जो लोग ये कहते हैं ना कि कृष्ण ने ब्रजवासियों को मोहित कर रखा, झूठी बात है, सत्य वचन क्या है, ब्रजवासियों ने कृष्ण को मोहित कर रखा, तो बताओ ब्रजवासियों ने कृष्ण को मोहित किया, बांध करके रखा था, बांध करके रखा नहीं, कैसे मोहित हो गए, कैसे वशीभूत हो गए, प्रेम के वशीभूत हो गए, प्रेम के वशीभूत हो गए, इसलिए कहा गया वृंदावनम प्रत्यक्षम पादम एकम न गच्छति,
यद्यपि बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि ब्रज से बाहर चले गए, वास्तव में ब्रज से बाहर नहीं गए। एक चरण भी उनका ब्रज से बाहर नहीं जा सकता। द्वारका में तो रहते हैं किंतु रात दिन किसके लिए रोते हैं? ब्रजवासियों के लिए रोते हैं। रात दिन ब्रजवासियों के लिए क्रंदन करते हैं। रुक्मणी सत्य भामा 16108 उनकी पटरानियां हैं। वसुदेव देव की जितने उनके माता पिता बंधु सखा सब है, किंतु रात दिन किसके लिए रोते हैं? रात दिन रोते ब्रजवासियों के लिए। ये ब्रजवासियों का जो प्रेम है, ये जो ब्रज की भक्ति है, ये भागवत की कथा सुनने का, भागवत की कथा करने का, भागवत की कथा को कराने का सर्वोत्तम फल क्या है? सर्वोत्तम फल है ये ब्रज का प्रेम है। इसको साधारण भाषा में कहें तो सर्वोत्तम फल क्या है? ये ब्रज का प्रेम। जैसा ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है, जैसा कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति प्रेम है, ये ब्रज का प्रेम हम लोगों को मिल जाए, ये भागवत की कथा को सुनने का फल है। समझ में आ रही है बात? एक थे कृष्ण के भक्त ध्रुव महाराज जी, सुना तो आपने ना, 6 महीने उन्होंने तपस्या की और 6 महीने तपस्या करके क्या किया? भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया। इतनी कठोर तपस्या थी, 6 महीने तपस्या की और भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया। किंतु ध्रुव महाराज जी श्रेष्ठ हुए ना? प्रहलाद महाराज जी श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? प्रहलाद महाराज जी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? ध्रुव महाराज जी सकाम भक्त, राज्य की कामना लेकर के भगवान का भजन किया। प्रहलाद महाराज जी ने कोई कामना की? कोई कामना नहीं। किंतु एक बात बताओ, जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए प्रहलाद महाराज जी पर कृपा करने के लिए, प्रहलाद महाराज जी ने कौन सी सेवा की नरसिंह भगवान को? एक गिलास पानी पिलाया? पिलाया नहीं पिलाया। तो प्रहलाद महाराज जी से भी श्रेष्ठ कौन हुए? हनुमान जी। रात दिन कैसे सेवा करते हैं? राम जी की कैसे सेवा करते हैं? एक दिन उन्होंने देख लिया सीता मैया अपने सिंदूर मांग में क्या लगा रही है? सिंदूर लगा रही। दौड़ कर क्या है, पूछा मैया मैया क्या लगा रही है? बोला ये एक सिंदूर लगा, इससे क्या होगा? राम जी की आयु बढ़ जाएगी, राम जी की आयु बढ़ जाएगी। अब सीता जी तो चली गई, इन्होंने मन में क्या विचार किया? थोड़ा सा लगाने से यदि राम जी की आयु बढ़ जाएगी, मैं पूरे शरीर पर लगा लूं तो राम जी की आयु कितनी बढ़ जाएगी। झट पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। प्रहलाद महाराज जी का प्रेम ऐसा है? प्रहलाद जी का प्रेम ऐसा है? नहीं ऐसा प्रेम। इसलिए प्रहलाद जी से भी श्रेष्ठ कौन हुए? हनुमान जी। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी एक थाली में राम जी के साथ भोजन करेंगे? करेंगे। एक चारपाई पर सो जाएंगे? किंतु अर्जुन जो है वो कृष्ण के साथ एक थाली में भोजन करते हैं। कृष्ण का झूठा खा लेते हैं, कृष्ण उनका झूठा खा लेते हैं। एक चारपाई पर सोते हैं। कैसे सोते हैं? जिस ओर कृष्ण के पैर है उस ओर अर्जुन का मस्तक है, जिस ओर अर्जुन का मस्तक है उस ओर कृष्ण के पैर है, कृष्ण के चरण है। इतने प्रेम के साथ में रहते हैं। किंतु कृष्ण ने इतना प्रेम है, किंतु कृष्ण ने थोड़ा सा ऐश्वर्य विश्व रूप दिखाया। जब कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दे रहे थे अर्जुन ने कहा प्रभु हमको अपना विश्व रूप दिखा दो। कितनी देर के लिए दिखाया? कुछ क्षण के लिए। भयभीत हो गए, कांपने लगे। इतना प्रेम है किंतु कांपने लगे। अब ये जो ब्रज में सखा लोग हैं ये कांपेंगे कभी? कांपेंगे? कृष्ण ने कालिया का वध कर दिया। आज गिरिराज जी की कथा सुनोगे, कितने दिन उठाया गिरिराज जी को? 7 दिन तक उठाया गिरिराज जी को। कैसे उठाया? अपनी कनिष्ठ उंगली पर, बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर। और जब कृष्ण ढीक हाँक रहे ना सारे सखाओं के साथ में बैठ करके, मैंने 7 दिन तक गिरिराज जी को उठाकर ब्रज की रक्षा की, तो सुदाम मधुमंगल श्रीदाम कह रहे अरे बड़ी ढीके हाँक रहा है, हमने लाठी लगाई थी इसलिए उठाया तुमने गिरिराज, समझ रहा है मैंने अकेले उठा लिया। अरे अकेले तो तुझसे अपनी धोती नहीं उठती है, तू क्या गिरिराज जी को उठाएगा? बतना ब्रज के सखाओं को इतना ऐश्वर्य दिखाएंगे, कभी कांपेंगे ब्रज के सखा? उठा करके कृष्ण को पटक देंगे, उठा करके कृष्ण को पटक देंगे, कृष्ण के साथ में रण करेंगे। तो कौन श्रेष्ठ हुआ? अर्जुन श्रेष्ठ हुए ना ब्रज के सखा श्रेष्ठ हुए? कृष्ण जब चले गए ना द्वारका, उद्धव जी को भेजा था इस समय, उद्धव जी ने आकर ब्रज में क्या देखा? अरे ये यशोदा मैया काट की पुत्री हो गई है, काट की पुत्री, और नेत्रों से इतना अश्रु प्रवाहित हो रहा है। उद्धव जी को क्या लगा? अरे ये तो कोई नदी बह रही है, किंतु वो नदी नहीं थी। क्या था? यशोदा मैया के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। घर में जो चूल्हा है ना उस पर मकड़ी के जाले लग गए। उद्धव जी देख करके प्रेम में आश्चर्य में पड़ गए। अरे इतना प्रेम कृष्ण से है, और बड़ा ज्ञान दिया उनको, बड़ा ज्ञान दिया नंद बाबा को। आप चिंता मत करो, आपका पुत्र जो है ना वो भगवान है, आपका पुत्र जो भगवान। नंद बाबा बैठे बैठे सारी राह सुन रहे हैं। अब जब बहुत हो गया तो नंद बाबा ने कहा मैं तो समझता था तू बड़ा बुद्धिमान है, तू तो क्या है निराज्ञ है। अरे जिसको तू भगवान कहता है ना, जब उसको भूख लगती थी ना सारे ब्रज को मस्तक पर उठा लेता था, मटकी
भी फोड़ दिया करता था, भगवान होगा तेरे लिए, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो हमारा पुत्र है। उद्धव जी आश्चर्य प्रकट, इतना प्रेम, इतना प्रेम। कृष्ण ने जब देवी देवी और वसुदेव जी का कारागार से क्या किया है, उनका उद्धार किया ना, तो देवी देवी को एक बात कही थी, एक बात कही किसको, देवी देवी को, युवा माम पुत्र भावे ना ब्रह्म भावे ना चास करता हूं, मैं आपका बेटा तो हूँ, युवा माम पुत्र भावे ना, मैं आपका बेटा तो हूँ किंतु ब्रह्म भावे ना चास करता हूं, भगवान भी हूँ, ये याद रखना। अपनी मैया देवी को कह रहे हैं, हूं तो मैं आपका बेटा भी, किंतु साथ साथ ब्रह्म भावे ना चास करता हूं, मैं भगवान भी हूँ, ये भूलना मत कभी। यशोदा मैया को कहेंगे कभी, अभी अभी सुन रहे थे ना, मिट्टी खाई झट मुख में दिखला दिया, मेरे मुख में सब विश्व ब्रह्मांड है। फिर मन में भय आ गया, अरे यदि मैया मुझको भगवान समझ लेगी फिर तो मुझको बंद कर देगी, बस एक पतासा खाने को देगी, है तो झट क्या कि अपने स्वर्ग संतुष्ट कर लिया, खींच लिया। अरे नहीं, यशोदा मैया को कभी कहेंगे मैं भगवान हूँ, है कहेंगे कभी, यदि कहेंगे मैं भगवान हूँ, एक चर मार देंगे, है बड़ा भगवान बनता है, वो मटकी फोड़ दी और यशोदा मैया एक बिलौंद हाथ की छड़ी दिखा रही है उस भगवान को, जिससे बड़े बड़े देवी देवता लोकपाल दिलपाल, इतनी सी कृष्ण की भ्रुक्ति हिल जाए, भयभीत हो जाते, भयभीत हो जाते बड़े बड़े लोकपाल दिलपाल, उसको उस भगवान पर ब्रह्म को यशोदा मैया ज्यादा बड़ी छड़ी नहीं दिखाई, छोटी सी छड़ी दिखा रही है, और कृष्ण की क्या अवस्था हो रही है, सात अंक नेत्र, नेत्रों में भय दिखाई दे रहा है, आज मैया बहुत मारेगी, आज तो मैया बहुत मारेगी, और कृष्ण के कानों के कुंडल, गले का हार बड़ी जोर जोर से हिल रहे हैं, किसने हिल रहे जानते हैं, मैया से प्रार्थना कर रहे हैं, अरे मैया देख ये तो बहुत रोता है, इसको और मत मार, ये तो बहुत रोता है और इसको मत मार। कृष्ण कहेंगे कभी यशोदा मैया से मैं भगवान हूँ, कभी नहीं कह सकते, कभी नहीं कहेंगे। अब ये यशोदा मैया नंद बाबा, इनसे भी श्रेष्ठ भक्ति किसकी है, ब्रज गोपियों की भक्ति। कृष्ण ने कभी यशोदा मैया नंद बाबा को भी ये नहीं कहा, ना पारे हम निर्बंध सही जाऊं, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, केवल किसको कहिए बात, ब्रज गोपियों को कहिए बात, ना पारे हम निर्बंध सही जाऊं, अरे ना ब्रह्मा की आयु पाकर के भी मैं तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता हूँ। इसलिए सर्वोत्तम भक्त कौन है, कृष्ण की ब्रजवासी, ब्रजवासियों में भी कौन, ये ब्रज गोपियां। तो ये जो ब्रज की भक्ति है, ये जो ब्रजवासियों का प्रेम है, ये ब्रज की भक्ति, ब्रजवासियों का जो प्रेम, ये भागवत की कथा को सुनने का, भागवत की कथा को सुनाने का, भागवत की कथा को करने का, भागवत की कथा को कराने का, ये सर्वोत्तम फल है। इस बात को अपने हृदय में गांठ बांध करके ले जाना, क्या है सर्वोत्तम फल, क्या है, ये ब्रजवासियों के जैसी भक्ति, ब्रजवासियों के जैसा प्रेम। इसलिए हमारे गुरु जी कहा करते थे, भागवत की कथा सुनी, भागवत की कथा कराई, भागवत के चरणों में, भागवत के वक्ता के चरणों में कोई जागतिक वस्तु मत मांगना, कोई जागतिक वस्तु मत मांगना, क्या मांगना, केवल हमको ये ब्रज का प्रेम मिल जाए। यदि ब्रज का प्रेम मिल जाएगा ना, सब कुछ उसके भीतर, अरे जब भगवान कृष्ण ही हृदय में आकर बैठ गए, फिर और कुछ मांगना बाकी रह जाएगा, बाकी रह जाएगा कुछ और मांगना, इसलिए कुछ मत मांगना, क्या मांगना, केवल हमको ये ब्रज का प्रेम मिल जाए। तो बहुत अधिक समय ले लिया, अभी महाराज जी के मुख से हम लोग युवराज मोहन की कथा करेंगे, बहुत आप फाल्गुनी, फाल्गुनी कौन है यहाँ, इधर आ जाए, और गिरिराज ऊपर में थोड़ी सी बात सुनाएगी, गिरिराज का कथा सुनाएगी। हरे कृष्णा, ये हमारी बच्ची छोटी बहन है हमारी, ये हमारे गुरु जी के करण के छपते हैं ना, उसमें टाइपिंग करती है, बहुत सारे ग्रंथों में टाइपिंग करती है। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे गुरु जी की कथा सुनते हैं और गुरु जी की कथा सुनाते हैं। आप लोग चाहते हो कि आपके बच्चे ऐसे बने, एक भी नहीं बोल रहा, बनेंगे तो बन जाएंगे, अब नहीं बने तो नहीं बने, क्या कर सकते हैं, अरे बनाना हमको पड़ेगा, शिक्षा हमको देनी पड़ेगी, प्रयास हमको देना करना पड़ेगा, हैं, पढ़ाई भी करते हैं सब कुछ है, और भक्ति भी करते हैं, गुरु वैष्णव की सेवा भी करते हैं, हमको भी यदि चाहिए ना हमारे बच्चे ऐसे बन जाए, हमको खुद संस्कार देना पड़ेगा बच्चों को, समझ में आ रही तो बात। तो ये बच्ची छोटी बच्ची है, गुरु जी की बहुत कथा भी सुनती है, और अभी आपको गिरिराज जी के विषय में हमारे गुरु जी कुछ कथा सुनाएंगे। हरे कृष्णा, अभी हमारे श्री संजय प्रभु जी बहुत अच्छी अच्छी आपको बात बताए, भागवत का तात्पर्य क्या है, भागवत कथा सुनकर जीवन में किस चीज उतारनी चाहिए। अभी उन्होंने जो कथा सुनाई ना, ये बृहद भागवतामृत की कथा है, गुरु जी जहाँ जहाँ जाते थे वहीं वहीं पर उन्होंने बृहद भागवत कथा सुनाते थे। क्यों, कभी ये भागवत तो बृहद है,
लेकिन भागवत का सार क्या है, कहते ब्रजवासियों का जो भक्ति यही सार है। अगर जीवन में ये चीज को कोई उतार दिया तो समझना फिर भागवत कथा सुनने का हमें फल मिल गया। लेकिन ये तो भी बहुत बड़ी चीज, आप सुन रहे थे ना ब्रह्मा शंकर नारद भी प्रार्थना करते हैं इतने, लेकिन कम से कम ये तो चीज बहुत बड़ी थी। लेकिन अभी कम से कम साधारण नियम हमें कुछ पालन करना पड़ेगा। क्या है भागवत में जो बताया, चार नियम को पालन करो, क्या जुआ मत खेलो, किसी तरह का नस्ली वस्तु मत ग्रहण करो। लेकिन अगर किसको बोलता चाय छोड़ दो, बोले चाय कैसे छूटेगी, बोले बाबा चाय नहीं छूट सकती, ये प्रसाद खा ले जा रहे हो, अभी ठाकुर को भोग लगा है कि नहीं, इसलिए बोले बाबा हमसे चाय नहीं छूटेगी। साधारण अगर तुम चाय नहीं छोड़ सकती हो तो भगवान कैसे मिलेंगे तुम्हें जिसमें नस्ली वस्तु है। अभी बहुत सारे लोग का देखा अभी भी प्याज लहसुन खा रहे, अभी तुमने प्याज लहसुन नहीं छोड़ पाए। जिसको ब्रह्मा शंकर जी जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, साधारण तुमने अगर प्याज लहसुन नहीं छोड़े, कुछ कुछ भक्तों घर में देखा गुरु जी से हरिनाम भी पड़े, गुरु जी से भी हरिनाम दिख्या कोई ले लिया, अभी भी घर में प्याज लहसुन खा रहे। अब बताओ गुरु जी से दिख्या मतलब लेना हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक गले में कट्टी नहीं पाई तिलक ही। साधारण जो क्लास में जैसे भर्ती होने के लिए स्कूल में यूनिफॉर्म ड्रेस होता है ना, जब तक कोई यूनिफॉर्म ड्रेस नहीं पहनोगे स्कूल में एडमिशन हो ही नहीं सकते हो। यद्यपि पढ़ाई को साथ में कोई मतलब नहीं यूनिफॉर्म का, इसलिए भैया भक्ति में प्रवेश करने के लिए पहले में गले में कट्टी पहनो, तिलक लगाओ, हरि नाम करो, गंदी चीज को प्रसमय कम से कम गंदी चीज को छोड़ो, एकादशी व्रत करो, साधारण नियम तो पालन करो, फिर तो अंदर में कहीं प्रवेश करो। भैया अभी ए बी सी डी नहीं सीख पाए भैया, इसलिए क्या करो पहले साधारण नियम को अच्छे तरह से पालन करो। गुरु जी से, गुरु जी कहते थे जब मैंने माला दिया है, ये माला नहीं दिया गुरु जी कहते थे कृष्ण तुमको दिया है, गुरु जी कहते थे खुद भूखे रह जाओ लेकिन माला को भूखे मत रखा करो, गुरु जी कहते थे बात को। जो एक दिन माला नहीं जप किया तो गुरु जी कहते थे आज ठाकुर जी दिन भर घर में भूखे रहेंगे, खाना नहीं खाए, कपड़ा नहीं बदलाया, स्नान नहीं किया, इसलिए खुद भूखे रह जाओ। इसलिए जब हरिदास ठाकुर जी के पास में महाप्रभु आए, बोले हरिदास महाप्रसाद लो, बोले प्रभु आज मैंने संख्या माला पूरी नहीं, कितना करते थे 3 लाख, 16 माला को 4 बार कर दो 1 लाख, और उसको 3 लाख हरिनाम करके फिर भोजन करते थे। तब भी हैं जब महाप्रभु बोले प्रसाद लो, बोले नहीं ले सकता हूँ, आज मैंने माला पूरी नहीं की इसलिए मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। भगवान बोले देखो हरिदास अभी तुम वृद्ध हो गए हो, जिंदगी भर तुमने क्या किया हरिनाम किया, अभी वो लेट हुई अंतिम सज्जा में शरीर छोड़ने वाले, बोले तुम वृद्ध हो गए हो थोड़ा माला संख्या कम कर दो, कितना बड़ी बात कहते हैं। बोले प्रभु जी शरीर तो मेरे चंगा है, शरीर मैं सुस्त, लेकिन जो मन है ना ये बड़ा असुस्त है, ये बड़ा असुस्त। और हम लोगों को सिख्या देते हैं, क्या सिख्या देते हैं, ये मन इतने दुष्ट है ना, टीवी देखो 3-3 घंटा बैठ करते, बहु बेटी की बात करो तो घंटा घंटा पता ही नहीं चलती है, स्मार्टफोन देखो तो पता नहीं कब समय चला गया, लेकिन माला के लिए बोलो ना 1000 बहाना। इसलिए प्रभुपाद कहते थे सवेरे उठो अपना जूती लो और अपना जूती लेकर के 100 बार मन को पीटो, प्रभुपाद कहते थे। बोले मन को समझाओ, अगर जिंदगी में कभी सुख शांति मिले हरिनाम से तुम्हारे धन दौलत परिवार से नहीं मिलने वाले हैं। आप देखना अक्सर करके ध्यान देकर सुनो, अक्सर करके संसार में हम जो काम करते हैं ज्यादा करके दूसरों को खुश करने के लिए, सास को कैसे खुश करे, ननद को कैसे खुश करे, पति के कैसे खुश करे, पत्नी को कैसे खुश करे, बच्चे को कैसे खुश करे, इसलिए ज्यादा करते भी नहीं। कभी कभी ऐसे होता है पूरा सभी की खाना पीना खिला करके लास्ट में कोई सब्जी नहीं बचे तो नमक से 2 रोटी खा लेते, होता कि नहीं। आपसे एक प्रश्न करता हूं, अभी तुम्हारी संसार में तुम्हारी परिवार खुश है, पति खुश है, जेठ खुश है, पत्नी खुश है, बच्चे खुश है, तुम्हारी पीठ में चुगली के सिवाय कुछ भी नहीं होती होगी, ये दुनिया चुगली के सिवाय तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाले। लेकिन जब भगवान की अंगुल कट गई, द्रौपदी ने थोड़ा साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दी, ठाकुर जी सोच रहे कब मौका मिले, कब इसका मैं ऋणी चुकाऊंगा। जब भरी सभा में लाज जा रही थी, द्रौपदी का कितना पति थे
पांच हमारे पति कितने पति एक है, लेकिन द्रौपदी के पांच पति थे, लेकिन कोई पति इसकी काम में आए बोलो, कोई काम में आए? वो आंख फार फार कर देख रही थी, कोई तो कुछ बोलेगा लेकिन कोई भी काम में नहीं आए। द्रोणाचार्य कृपाचार्य जो भीष्म भी बैठे हुए थे उनको भी आंख फार फार कर देख रहे थे कुछ तो बोलेंगे, लेकिन लास्ट में काम आया तो कौन काम में आए? अरे बोलो जोर से, बस भैया दुनिया में कोई भी तुम्हारी काम में आने वाले नहीं, इसलिए अंतिम समय जब ले जाएंगे यही बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बाजू का है। किसको सुनाते ऊपर जो लेटा हुआ? बोले बेटा एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही यहाँ से, पत्नी जाएगी तो तुझको साथ फेरे लगाकर शादी किया ना, वो दरवाजा तक जाएगी आगे नहीं जाएगी, जो परिवार शमशान तक जाएंगे खोपड़ी में घी भर करके फोड़ कर जा जाएंगे तुम्हारी, टाटा करते हुए आगे किया जाएगी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने भजन किया वो ही मिलेगा। इसलिए पहले प्रभुपाद कहते थे पहले भजन उसके बाद भोजन है, लेकिन कलयुग का जीव कैसे है कहते भाई भजन के आलिसी और भोजन के होशियार है, इसलिए भोजन के होशियार और भजन के आलिसी नहीं, सबसे पहले सारे काम जिसको हम कर्तव्य मानते हैं, पत्नी का प्रति कर्तव्य, बच्चे का प्रति कर्तव्य, बेटी उसको चुगली तुम्हारी करेंगे, बदनामी करेंगे और कुछ देंगे नहीं, पहले सब काम का पीछे रखो, पीछे रखकर माला लेकर के पहले भजन करो, ठाकुर को सेवा पूजा करो, फिर दिन भर तो जो कुछ करो भगवान की मंदिर बांध करके संसार करने से करो, लेकिन सबसे पहले गुरु जी कहते थे 100 काम छोड़कर भजन करो, 1000 काम छोड़कर के अपना काम धंधा करो, गुरु जी कहते थे करोड़ों काम को पीछे रखो, कोई काम तुम्हारी कोई भी काम में आने वाले नहीं, गुरु जी कहते थे करोड़ों काम छोड़कर पहले भजन करो, क्योंकि यही तुम्हारी साथ में जाने वाले और कुछ भी जाने वाले नहीं, ठीक है ना। इसलिए पहले प्याज लहसुन छोड़ो, गले में कंठी तिलक को पहनो हैं, और हरिनाम करो, ठाकुर का सेवा पूजा एकादशी व्रत करो, ठीक है, फिर यही चीज धीरे धीरे तुम्हें ब्रज भक्ति तक ले जाएंगे। अभी ये बच्ची आपको सुंदर सुंदर, और प्रभु जी बता रहे थे ना कल, आप बता रहे थे ये बच्ची लोग सीखे कहाँ से, जूम चलती है, एक ऑनलाइन में क्लास है, एक विशाखा दीदी और प्रभु लोग देते हैं, ये लोग उसमें जुड़े हुए हैं, जुड़े होने का नाते ये बच्चे इतनी अच्छी अच्छी बात सीखते हैं, इसलिए आप लोग भी अपना बच्चों को, अपना बच्चों क्या करो इसमें प्रेरणा करो। कल कुछ बच्चों ने खड़े होकर के मैंने पूछा था कौन कौन चाहते हैं जुड़ने के लिए, कुछ बच्चों ने भक्ति में जुड़े हैं, आप भी अपना बच्चों को जुड़वा, ठीक है ना, बच्चों को जुड़वा, नहीं तो भैया नहीं तो बच्चे लास्ट में उनको जूती मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे, अगर भक्ति की संस्कार डालोगे तो क्या होगा, मैंने बताया ना गुरु जी को किसी ने बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते हैं, गुरु जी क्या बोले, बोले बेटा रामायण पढ़े हो, बोले नहीं, बोले रामायण बच्चों को पढ़ाए, बोले नहीं, बोले जो पढ़ेगा नहीं पढ़ाएगा नहीं तो कहीं जूती मिलेगी, गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव ये बात कहते थे, बोले कहां पर लिखा हुआ पिता माता की सेवा करनी चाहिए, रामायण पढ़ना है, प्रात उठ ही रघुनाथा मात पीत गुरु नमई माता, सबसे पहले ठाकुर पिता माता के चरण छूते थे, रामायण देखे भी नहीं, कौन कौन रामायण देखा, हाथ उठाओ तो आप देखना, दशरथ महाराज जब सैनिक योगी है राम स्वयं पिताजी की चरण सेवा कर रहे, देखे कि नहीं, भगवान कितने साल के लिए वनवास गए थे, अपना बेटे को बोला था 14 दिन के लिए मेरे आदेश पालन करने के लिए कहीं जाए, बेटा जाएगा 14 दिन के लिए हनीमून मनाने के लिए जा सकता है, लेकिन पिता माता की सेवा करने नहीं जाएंगे, गुरु जी कहते थे, गुरु जी कहते थे क्यों, बच्चे को स्मार्टफोन पकड़ा देते, ले 10-20-30 हजार की स्मार्टफोन ले, पबजी देखते रहे घर में, लेकिन बच्चे को खुद नहीं बोलते हरिनाम करो भजन करो नहीं बोलते हैं, कि खुद नहीं करते हैं बच्चों को क्या सिखाएंगे, खुद दिन भर टीवी में बैठे हुए दिन भर स्मार्टफोन लेकर, पहला संस्कार तो पिता माता से बढ़ेगा ना, कहां से बढ़ेगी, पिता माता से ही संस्कार पड़ेगी, इसलिए अगर आप चाहते हो बच्चे हमारी सेवा करे है, घर हमारी घर अयोध्या बने, बेटा राम जैसे हो, बहू सीता जैसे हो, और बच्चे लव कुश जैसे हो, अगर चाहते हो ना जरूर ये जूम में जुड़ो, ये ऑनलाइन में जुड़ो, बच्चे लोग घर में बैठी बैठी कर ही सीखेंगे, ठीक है, कौन चाहते हैं बच्चे ऑनलाइन में जुड़े जूम में जुड़े, चाहते हो ना, इसलिए आज भी कुछ बच्चों का नाम देख ली जाना, हम कोशिश करते 1-2 दिन में कोर्स करवा रहे हैं, घर में बैठी बैठी करके
वो सीख पाएंगे। देखो ये बच्चे लोग को सीखे तो कैसे बोलते हैं, बोलो बेटी। शरण में गए, ठाकुर जी की शरण में गए।
तो जब उन्होंने अपने भक्तों को जितनी ग्वालियर में अपने कई ऐसे भगत प्रेम करते जब उनको कष्ट में देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए और समझ गए कि ये इंद्र का ही काम है। तो उन्होंने ठान लिया कि जो मिथ्या उनका गर्व है कि वो इन सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं तो वह वो तोड़ के रहे। तो उन सबको ले गए हैं गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़े और अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया। और क्योंकि ब्रजवासी उनसे बहुत ज़्यादा निष्ठा करते थे उनको ही अपना सब कुछ मानते थे तो उनके आगे से गोवर्धन पर्वत के नीचे आगे खड़े हो गए। तो ऐसे 7 दिन तक चलता रहा, मूसलधार वर्षा हुई, ओले बरसे, परंतु जो ब्रजवासी हैं वो कृष्ण को नहीं मानते रहे कि उन्होंने कैसे छोटी उंगली पर इतना विशाल पर्वत उठा रखा है और उनको कोई मानी नहीं हुई। 7वें दिन जब इंद्र ने यह सब देखा तो उनको समझ आ गया कि ये तो उनके आराध्य कृष्ण हैं। उनको जब ये पता लगा तो उन्होंने आज्ञा दी जितने भी बादल थे कि वो रुक जाए। ऐसा हुआ तो जब फिर से सूर्य उदय हुआ सब जगह हरियाली हो गई और सब जब फिर सब बाहर आ गए गोवर्धन पर्वत जी से बाहर आ गए। उसके बाद कृष्ण ने उसी स्थान पर फिर से गिरिराज जी को रख दिया और जितना भी उनका रिश्ता था जितना भी उनका सहयोग कर सकते इतना कर सकते थे उस अनुसार उन्होंने कृष्ण जी को धन्यवाद किया और ऊपर स्वर्ग में शंख बजे उनके ऊपर सारे ब्रजवासियों के ऊपर कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा हुई और सब उनका गुणगान कृष्ण का गुणगान करने लगे और जितने भी ब्रजवासी थे उन्होंने उनको मालाएं पहनाई जो उनकी सखा थे उन्होंने उनको गले लगा लिया और जितनी भी जो गोपियाँ थे उनको पानी थे आदि का सेवन कराने लगे और ऐसे ऐसे करके सब स्तुति करके अपने घर चले गए। तत्पश्चात फिर कृष्ण मिलने आकर जो कृष्ण जो इंद्र देव हैं फिर क्षमा प्रार्थना करने के लिए मिलने आए भगवान। तो यह सब लिखिए पूरी लीला तो हमने पहले भी सुनी हुई है परंतु श्रीला नारायण महाराज जी ने वो अपनी कथा में दो प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि हमें गोवर्धन पूजा गिरिराज जी की पूजा क्यों करनी चाहिए और यदि वे गिरिराज जी प्रसन्न हुए तो क्या होगा। तो वह बताते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं हमारे संप्रदाय के गुरु हैं वह इंद्रदेव से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हैं परंतु जब उन्होंने बछड़े चुरा लिए थे तब जब वे क्षमा प्रार्थना करने आए तब कृष्ण जी ने उनसे कोई भगवान कृष्ण ने उनसे कोई वार्तालाप नहीं किया कोई बात नहीं करी। उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति करी कृष्ण जी की और अंत में वह चले गए। परंतु दूसरी ओर जब इंद्रदेव आए तब वे अपने साथ सुरभि गैया जो है सुरभि गाय है उनको लेके आए उनके शरणागत होके आए उनके आश्रय लेके आए और जैसे हम सब जानते हैं कि कृष्ण ग्वाले हैं उनको गाय से कितना प्रेम है वो कितनी गाय की सेवा करते हैं तो ये गाय भी सुरभि गैया के शरणागत होके आए तो इससे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए और इस वजह से उन्होंने कुछ वार्तालाप किया जो कि ब्रह्मा जी से नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ये जो तुमने गलती करी है ये आगे से ना हो और कभी भी मेरे भक्तों को साधारण ना समझना ये बहुत स्ट्रिक्ट है और कभी भी मेरे भक्तों को हानि नहीं पहुँचाना वरना मैं तुम्हें आगे से क्षमा नहीं करूँगा। तो ये एक कारण बना कि कृष्ण ने ब्रह्मा जी से ना वार्तालाप करके अपनी जो करुणा है अपनी जो कृपा है वो देवता इंद्र को दिखाई ना कि ब्रह्मा जी को। तो दूसरा कारण बने उन्हें गिरिराज जी जब मूसलधार वर्षा होने लगी तो ठाकुर जी ने अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। तो गिरिराज जी ने जब यह महसूस किया जब यह देखा तो वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उनको यह लगा जो कृष्ण है उन्होंने ब्रजवासियों के रक्षक की उपाधि उनको दे दी और जब गिरिराज जी प्रसन्न हुए तो यह देखकर ठाकुर जी भी बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि जब भक्त प्रसन्न होते हैं तो ठाकुर जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये दो कारण बने कि जो कृपा पात्र इंद्र बने और ये दो कारण थे कि कृपा पात्र इंद्र बने ना कि ब्रह्मा जी। परंतु ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी श्रेष्ठ नहीं है ब्रह्मा जी ही श्रेष्ठ हैं देवराज इंद्र से। अब अर्थात इसका मतलब क्या है जो ये लीला सुनाई गई इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी उच्च अधिकारी का आश्रय लेते हैं उनके शरणागत होते हैं तो हमें शीघ्र ही शीघ्र की भगवत प्राप्ति होगी भगवत प्रेम ब्रज प्रेम की प्राप्ति होगी। जैसे कहा जाता है कि राधिका दासी रवि भय अभिमान शीघ्र ही मिले गोकुले का शीघ्र ही मिले गोकुले का। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति
ब्रह्मा जी के शरणागत होता है, तो ऐसा हो सकता है कि उसे विलंब हो ठाकुर जी को पाने में, उनकी कृपा पाने में, परंतु अगर कोई व्यक्ति राधा रानी के शरण में जाएगा या उनकी दासियों के भी दासियों के शरण में जाएगा, तो एक निश्चय कह रहे कि उन्हें भगवत प्राप्ति होगी। और श्री नारायण महाराज जी ये भी बताते हैं कि सबसे तीन श्रेष्ठ आश्रित कौन है, सबसे पहले हुए गिरिराज जी, दूसरे हैं बिरला देवी मतलब तुलसी महारानी, और तीसरे हुए हमारी यमुना देवी जी, और इनमें तीनों में भी जो सबसे श्रेष्ठ हैं वो है गिरिराज जी। तो इस पूरी कथा का सार यही है कि अगर हम गिरिराज जी की सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, अगर वो और अगर वो प्रसन्न हो हमारी पूजा आराधना सेवा से, तो वे हमें बिल्कुल हमें भगवान की प्राप्ति होगी, ब्रजप्रेम की प्राप्ति होगी। बस यही कहते हैं अपनी देखो ये फाल्गुनी दीदी ने कितनी अच्छी बोली बोली है ना, कौन चाहते मेरे बच्चे भी ऐसी कथा सुनाए, हाथ उठाओ चाहते हो ना। देखो बच्चे को हम जोर जबरदस्ती स्कूल भेजते कि नहीं भेजते ना, जब बच्चे को तुम जोर जबरदस्ती स्कूल भेज सकते हो, बच्चे बिगड़ते हैं कहाँ पर, घर में ना, स्कूल में कॉलेज में बिगड़ते हैं, सिगरेट पीना फूकना शराब पीना, बच्चे कहाँ पर जाकर उल्टा पुल्टा काम सीखते हैं स्कूल कॉलेज में, है ना। जब उसी के लिए हम बिगड़ने के लिए भेज सकते हैं, क्या बच्चे को भक्त बनाने के लिए कोशिश नहीं कर सकते, कर सकते कि नहीं, करनी चाहिए कि नहीं। इसलिए घर में नियम बना, देखो जो बच्ची कथा सुना रही थी, भक्ति तुम्हारी क्या लगती है बहन, हाँ देखो जो लड़की उसी दिन भी कथा सुना रही थी। इसलिए देखो ये बच्चे ऐसे नहीं पढ़ाई नहीं कर, बच्चे पढ़ाई कर भी कर रहे हैं, अपना सब कुछ बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसको साथ साथ भक्ति भी सीख रहे हैं, इसलिए ये बच्चे कभी भी गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे। इसलिए घर में नियम बनाओ, ध्यान देकर सुनाओ, घर में नियम बनाओ, बच्चों को रोज रोज एक एक माला जप कराओ, कितना एक एक बच्चों को माला जप कराओ। लेकिन बच्चे कब करेंगे, जब पिता माता करेंगे ना, अगर पिता माता नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ कर सकते, कर नहीं सकते। इसलिए बच्चों को जोर जबरदस्ती बोलो, देखो जब तक एक माला नहीं करोगे तब तक खाना नहीं मिलेगा, तब तक भोजन क्या होगा, बोले बच्चे बात नहीं सुनते हैं, आप बोलोगे बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बोले बच्चे जरूर बात सुनेंगे, लेकिन धीरे धीरे बच्चों को अंदर में अच्छे संस्कार डालो। इसलिए घर में ये नियम बनाओ, बच्चे भजन करे भक्ति करे, गलत रास्ता पर नहीं जाए। और ये बच्चियां जो जू में जुड़ी है ना, हमारे जो सरिता दीदी यहाँ बैठी है, ये भी एक लाइन चलाती है, एक मिनट के लिए आओगे, ये भी एक जूम की लाइन चलाती है, ये घर से ये सरिता आ जाए, इधर आ जाओ, इसलिए जोरदार ताली बजाओ। ये जो सरिता दीदी आप सोच नहीं सकते, आप कितना सोच सकते हो, इस सोच से ही बाहर है, इसने इतने जीवों को भजन में लगाया, पहले तो गड़ी में रह करके भक्ति में लगा देती करती थी, अभी यहाँ से जा करके भी आप घर घर में जाकर कीर्तन करती है, कथा सुन इसलिए घर घर में जाकर दो मिनट जूम में जोड़ने के लिए बोल दो माता, पर एक मिनट बोल दे जूम में जोड़ने के लिए बोल दो एक मिनट। इसलिए ये भी घर में सबको सवेरे उठा करके ना ये क्या करती है, हरिनाम कराती है, और जूम में क्लास देती है, सिखाती है, ये भी सिखाती है, और वो हमारे श्री कौन विशाखा दीदी भी सिखाती है। हम चाहते हैं आप लोग उसमें जरूर जुड़ो, अब हर समय देखना फलते फलते रहोगे, भक्ति में इतने एडवांस रहोगे जो सोच नहीं सकते हो। अगर उसमें पानी नहीं दोगे ना क्या होगा, पौधा तो लगाया पानी नहीं दोगे दो दिन बाद सूख जाती है, क्यों, तुमने भजन खुद नहीं करते, कथा नहीं सुनते। इसलिए आप लोग जुड़ना चाहते इसको साथ में भी जुड़ सकते हो, विशाखा दीदी को साथ में जुड़ सकती, अपना बच्चों को भी जुड़ा सकते हो, बल्कि इसी तक जुड़ सकते हो। माइक और हरे कृष्ण कृष्णाय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री
श्रीधर गोस्वामी महाराज के श्री अभय चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि गणों प्रणाम। उपस्थित श्री पाद संजय प्रभु जी और सभी वैष्णवगण इस चरणों में मेरा आप सभी कथा श्रोताओं जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। देखो हम भी आपके ही समाज से, सभी जानते हैं मुझे और श्री गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि अपना हमारा कोई सामर्थ्य नहीं, सब कुछ गुरुदेव कराते हैं। हम इस निमित्त मात्र उनकी अहितों की कृपा से हो गए, अन्यथा हम निमित्त बनने योग्य भी, मैं अपने लिए कह रही हूँ, वो भी योग्य नहीं थी। हम जूम क्लास लेते हैं, खासकर मेरी जूम क्लास में लेडीज हैं, स्त्रियां हैं और पूजक समाज से ज्यादा है मेरे। क्यों? क्योंकि भक्ति तो बहुत करना चाहते हैं परंतु भक्ति का मतलब भी नहीं पता अभी तक अधिकतर लोगों को। और गुरु वैष्णव से जितना सीखा उतना सुबह 4 बजे उठते हैं, नियम बना रखा है और सुबह पहले जल्दी उठना ही सीखना सबसे जरूरी है, क्योंकि हम जब तक अपने जीवन में कोई नियम नहीं निभाएंगे तब तक भरम भजन कैसे करेंगे। तो जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, जाने नियम टाइम निभा लिया समझो बाकी जिंदगी बिगड़ गई। तो नियम टाइम इसी को कहते हैं, सुबह 4 बजे उठकर स्नान करकर सबसे पहले ठाकुर जी की मंगल आरती कैसे करनी चाहिए, और मंगल आरती करने से पहले श्री गुरुदेव के लिए किस तरह से पहले गुरुदेव को जगाया जाता है, जिसके लिए गुरु अष्टकम कर किया कहते हैं, प्रभात अष्टकम, उसके बाद हम श्री ठाकुर जी का मंदिर बोलकर मंगल आरती। सबसे पहले तो हमें अपने घर के मंदिर की आरती करना होगा, सीखना होगा। उसके बाद अपने मंदिर में कितने लोगों को भी बुरा मत मानना, क्षमा करना, कितने लोगों के घर में हम जाते हैं और देखते हैं मंदिर में कितने सारे देवी देवताओं की तस्वीरें और सफाई बिल्कुल नहीं होती। अपने शरीर को तो ऐसे सजा के रखते हैं मानो अभी कोई फोटो खींचने के लिए तैयार है, परंतु घर के मंदिर की जो हालत होती है उसको देखकर बड़ा दुख होता है मेरे, कि जिसने ये सुंदर शरीर लिया, जिसने ये सुंदर सुंदर वस्तुएं ली, उन्हीं के लिए हम कुछ नहीं करते। तो बस थोड़ा सा यही सिखाने का प्रयास करती हूँ, और तो मुझे कुछ नहीं आता। और कुछ हम एक नियम पूर्वक एक ग्रंथ लेते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के लिए मैं बहुत लोगों से पूछती हूँ कि आपने पढ़ी है, तो कितनी लेडी से कहती हूँ 5 बार पढ़ी है, परंतु अभी तक जिसके गले में कंठी नहीं है, जिसके हाथ में माला नहीं है, जिसने गुरु धारण नहीं किए, भला उसने भगवत गीता कैसे पढ़ी। जिसने और कितनी स्त्री कहती है भागवत तो मैंने रोज का नियम है, भागवत भी तो हमें भजन का ही, भजन की शिक्षा देती है, भगवान की शरणागत करती है। और श्रीमद् भगवत गीता में बड़ी सुंदर बात कही है कि गुरु परंपरा अनुगत अनुसार ही गुरु बनाने चाहिए, और कोई कहती है मैंने तो फलाड़ो बाबा गुरु बना रखा हूं। कहां पढ़ ली भागवत, कहां पढ़ ली भगवत गीता। बस इतना ही कोशिश करती हूँ गुरु वैष्णव के अनुगत में कि थोड़ा सा भगवत गीता का असर सार सीखो। और इसी प्रकार से हम एक ग्रंथ को लेकर चलते हैं अपने गुरुदेव के लिखे हुए, तो मेरे गुरुदेव इतनी सरल भाषा में इतने अच्छे से लिखते हैं कि पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता गुरुदेव यही बता रहे हो बैठ के, तो मैं कुछ नहीं करती, मेरे गुरुदेव सब कुछ कराते हैं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जूम पर मेरे गुरुदेव का, मेरा नाम सुदेवी दासी है, उसके नाम से मैंने एंट्री बना रखी है, और सुबह 4:30 बजे 4:30 मिनट पर हम ऑन हो जाते हैं। उस पर फिर वैष्णव भजन, क्योंकि हमें स्तव स्तुतियाँ जो होती है हमारी गुरुदेव के लिखी हुई, राधा कुंड स्तव। हम राधा कुंड रोज नहीं जा सकते परंतु राधा कुंड में स्नान करना हम घर बैठे करते हैं। श्री यमुना महारानी अष्टकम, हम यमुना जी का रोज स्नान नहीं कर सकते परंतु घर बैठे स्नान सिर्फ वही में करती हूँ। और यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी जूम क्लास में आ सकते हैं। मैं अपना नंबर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है,
उस पर आपको दे दूंगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें लेडीजों को रोज बताया जाता है आज किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करना। आज एकादशी है, आज ये तिथि है, हमारे पूजा समाज में अमावस्या पितरों के लिए मनाई जाती है, उसके लिए भी हम बताते हैं खास खीर बनाओ, अच्छी बात है, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाओ, परंतु पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर अपने पितरों को दो, बच्चों को दो। तो इस प्रकार से बस थोड़ा सा सिखाने का, जो सीखा वो सिखाने की चेष्टा करते हैं, बस इतने कुछ कुछ भक्तों ने जैसे भागवत में मदद की है, उनका नाम तो हम अनाउंसमेंट करते हैं, यहाँ पर आओ और यहाँ से आशीर्वाद और पट्ट लेके जाओ। हमारे संजय प्रभु जी अभी नाम का अनाउंसमेंट करेंगे, हमारे से सुरेंद्र प्रभु जी इधर हरे कृष्णा आज आ जा। ये जो भागवत और जो विनोद के जो बड़ी साली है, विनोद प्रभु के बड़ी साली कहाँ है? हरे कृष्णा, ये जो भागवत कथा का आयोजन हो रहा है इसमें बहुत सारे भक्तों का सहयोग है, उन भक्तों से निवेदन है वो यहाँ पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ले लें। प्रभु जी ने नाम लिख करके दिए हैं, दीपक जी, बदले जी के पुत्र, सविता दीदी, भरती जी की पत्नी, महेंद्री माता जी, और एक है दैवती माता जी, और जयदीप जी, सुनील जी, आकाश जी, आप सब भक्त लोग इधर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ले लीजिए। देखो छोटी सी बात बता रहा हूँ, आकाश जी बागपत से जो आए हैं आप सब आ जाइए। देखो नाम लिया बड़ा बोल रही थी ना, ये जो दीदी सरिता दीदी जो बोल रही थी ना, है गुर्जर समाज की बात कर रही थी। देखो भक्ति में जाति पाति का कोई विचार नहीं, जेई भजे सही बड़ो अभर तिहिन छा, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। कृष्ण भजन में जाति कुल का कोई विचार नहीं है, कोई विचार, किंतु जैसे भगवान ने ब्राह्मणों को एक दायित्व दिया है, क्षत्रियों को एक दायित्व दिया, वैश्यों को एक दायित्व दिया, ये जो पूजक समाज है ना, सुनो बात को ध्यान से, इसका इतिहास जो है ना, हमारे बड़े बूढ़े बहुत सारा इतिहास बताते हैं, किंतु 5000 साल पहले का इतिहास हम बता रहे जो शास्त्र में लिखा हुआ है, सुनी सुनाई बात नहीं है, शास्त्र में जो लिखा हुआ है, शास्त्र में रूप गोस्वामी जी हमारे संप्रदाय की अथॉरिटी जो है, रूप गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखा है राधा कृष्ण गणो देश दीपिका, राधा कृष्ण के जितने गण है ना उनका परिचय देते हुए रूप गोस्वामी जी ने लिखा, वो कहते पशुपालास्त्रधा वैश्या आमिरा गुंजरास्तथा गोप वल्लभ पर्याया यदुवंश समुद्भव। ये गुजरों का इतिहास बता रहे, ये इतिहास कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोग बहुत सारे इतिहास बताते, ये 5000 साल पहले का इतिहास है जो रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं भक्ति राज्य के अथॉरिटी। पशुपाला स्त्रा वैश्या आमिरा गुंजरास तथा गोप वल्लभ पर्याया यदुवंश समुद्भव, तीन जाति थी उस समय में, एक वैश्य जाति, एक आमिर जाति और एक गुजर जाति। कितनी जाति? एक आभिर जाति, एक वैश्य जाति और एक उदर जाति। पशुपालन करना, तीनों जातियां पशुपालन करती थी, गोप वल्लभ पर्याय सारे ग्वाले थे और यदुवंश समुद भवा, ये सब यदुवंश से निकले हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने तो एक ग्रंथ लिखा मुक्ता चरित, हमारा गुरु जी कृपा से थोड़ा रिसर्च का काम है ना, सारे ग्रंथों को देखना पड़ता, उसमें देखा रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने राधा जी को, ललिता विशाखा सखी को, राधा जी को विशेष कर जो ब्रज की गोपियां, उनको भी बताया ये भी गुजर समाज की है, राधा जी को भी ये बताया कि ये भी गुजर समाज की है। अब सुनकर के मन में भूलना नहीं है, मन में क्या विचार करना, हमारी राधा जी जिनकी आराधना कृष्ण भी कर रहे हैं, उनके उस परिचय में, उनके उस वंश में, वंश माने उनके परिचय से जो लोग परिचित है, कितना दायित्व होना चाहिए, खुद भक्ति करके दूसरों को कराना चाहिए। महाराज जी बता रहे थे ना, छोटी छोटी चीज नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई रोग हो जाए ना शरीर में, शुगर हो जाएगा, डॉक्टर कहेगा मीठा खाना छोड़ दो नहीं तो मर जाओगे, फिर बड़ा भय जाएगा, मर जाएंगे हमको मीठा खाना छोड़ दे, मरने के भय से तो छोड़ देंगे खाना है, किंतु सदा सर्वदा के लिए मरने से जो बच जाएंगे, भव सागर से पार हो जाएंगे, वो जब सद रहते हैं गुरु जी बताएंगे ना, तब उस चीज को नहीं छोड़ सकेंगे। ये बुद्धिमानी की बात है गुरु, ये बुद्धिमानी की बात है। तो इसलिए सदगुरु और सदवैद्य बड़ा दुर्लभ है मनुष्य जन्म, बड़ा दुर्लभ मनुष्य जन्म,
फिर बाद में सुयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए महाराज जी यहाँ पर हैं। आप लोग भी अपने जीवन को धन्य कर लीजिए, हरिनाम दीक्षा ग्रहण करके ठाकुर जी को जो वस्तु भोगने लगती उनको छोड़ दीजिए। हम लोगों का जीवन, ये जो बच्चे छोटे छोटे आप देख रहे हो जो दीक्षित भक्त है, इनके क्या चार हाथ निकल आए, चार हाथ हो गए उनके? अरे सब तो सारा कुछ कार्य कर रहे हैं, सारा कुछ जीवन तो एक जैसा चल रहा है, बस जो वस्तु भगवान को भोग नहीं कर सकती है उस वस्तु को छोड़ दिया, ठाकुर जी को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ। इस जीवन को जीने में कोई सरलता है ना, बड़ा कठिनाई है इस जीवन को जीने में, कोई कठिनाई नहीं। इसलिए महाराज जी यहाँ पर है, जो चीज ठाकुर जी को भोग नहीं कर सकती उन वस्तुओं को छोड़ करके हरिनाम दीक्षा लेकर के अपना जीवन भक्ति में बना दीजिए। भक्ति में ठाकुर जी कहते हैं चौधरी के आनंद देखिए, ये भक्ति में जीवन यदि हो जाएगा चार ओर बस आनंद ही आनंद दिखाई देगा। बहुत बिनोदर के बड़ी जो साली यहाँ पर है क्या, है वो कहाँ है यहाँ पर? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गिरिराज महाराज की, बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गिरिराज को ले आओ, आज बड़े सुंदर हमारे संजय प्रभु जी और एक संजय है जो बड़े सुंदर उन्होंने गिरिराज बनाए। पहले उन्होंने पहले गढ़ी वासियों को वृंदावन ले जाते थे, अनिता अनिता दीदी है यहाँ पर, अनिता दीदी आ जाओ अनिता दीदी, इसलिए उन्होंने बड़े सुंदर गिरिराज उन्होंने बनाया है। संजय भी आया क्या? संजय बना लेकर क्या जाओ। शिवा प्रभु की पत्नी है यहाँ पर, शिवा पत्नी इधर आ जाओ, शिवा प्रभु की पत्नी आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, शर्मा की आज जल्दी आ जाओ। बोले गिरिराज महाराज की, आ जाओ आ जाओ, फट फटो है। कल आपको फोटो मिलेगा सर, बोले गिरिराज महाराज की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे गिरिराज आए कहां से? बोले एक समय ये गद्य संहिता में बताए, बोले एक समय गोलोक वृंदावन में श्री श्याम सुंदर राधा रानी से पूछे, बोले हे राधे ये मर्त्य जगत में मैं जाना चाहता हूँ, तुम चलोगी? राधा रानी बोले मैं नहीं जाती। बोले क्यों? बोले जहां पर गिरिराज गोवर्धन है, जहां पर राधा कुंड श्याम कुंड नहीं, जहां पर नंदगांव बरसाना नहीं, जहां पर निकुंज वन निधुवन नहीं, मैं वहां जाना नहीं चाहती हूँ। कृष्ण बोले देखो राधे, जब मैं गोलोक वृंदावन से उतरूंगा, पूरा के पूरा ये गोलोक वृंदावन ले करके मैं उतरूंगा, मेरे साथ में भी ये गिरिराज गोवर्धन चलेगी, ये नंदगांव बरसाना यमुना पटरानी सब के सब चलेगी। राधा रानी बोली ठीक है फिर तो मैं चलूंगी। इसका तात्पर्य है ये जो गिरिराज गोवर्धन यमुना देवी ये जगत का कोई वस्तु नहीं, ये साक्षात श्री गोलोक वृंदावन से यहाँ पर उतरे। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। बोले ये गिरिराज है कौन? बोले ये गिरिराज जो कोई साधारण पहाड़ मत समझो। बोले प्रकृति है मनसा जात, ये राधा रानी अपना हृदय से
ये गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने प्रकट किया है। जैसे राधा रानी के हृदय जैसे बड़ी दयालु बड़ी कृपालु ये गिरिराज भी कैसे, इसलिए गुरुदेव खुद कहते थे ये बात को, जो गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे 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 घूमते रहते हैं, ये इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा लगा रहे हैं वो क्या मांगेगा, जो मांगेगा सो दे दूंगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे धन दौलत पुत्र परिवार स्त्री ये गिरिराज तो अपनी आप दे देते हैं, अपनी आप दे देते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते थे देखो साधारण वस्तु तो ये सहज में दे देते हैं, लेकिन एक चीज जो मांगो फिर गिरिराज चिंता में पड़ जाते हैं। बोले क्या है? बोले जब उनकी भक्ति और सेवा मांगो ना गिरिराज सोचते हैं दूं कि नहीं दूं। बोले क्यों? बोले धन दौलत तो पुत्र परिवार देकर तो मेरे को तो छुटकारा मिल जाती है, लेकिन जब भक्ति देता हूँ वो भक्ति में मेरे को मजबूत होना पड़ता है। इसलिए ठाकुर जी भुक्ति मुक्ति देन प्रभु भक्ति राखे दुकाया, भक्ति को ठाकुर जी बड़े छुपा करके ठाकुर जी ये भक्ति को धारण करते रखते हैं। गुरु जी कहते भक्ति भी आसानी से भी ये भक्ति को दे देते हैं। बस श्री गिरिराज महाराज की जय। क्या नाम है? क्या बोले? प्रदीप राठी, राठी और राकेश राठी, राकेश राठी और सुनील, सुनील इनके फटवे। इसलिए दूसरे शास्त्र में बताया जो गिरिराज गोवर्धन है कहते भगवान की नेत्रों से, भगवान की नेत्रों से ये गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए। इसलिए कहते भगवान कृष्ण ये गिरिराज पूजा उन्होंने क्यों करवाए, कारण किया है? अरे बात मत कर, दो मिनट रुक जाओ। हरि बोल मनोज, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। इसलिए भगवान कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन क्यों प्रकट किए, भाई ये गिरिराज गोवर्धन को धारण क्यों किया, इसके पीछे हमारे टीकाकारों ने चार चार कारण बताए। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गिरिराज को थोड़ी सी ना आगे, मनोज इसको थोड़ी सी आगे ले जाना, ये गिरिराज अभी बैठ जाओ, दो 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 मिनट खड़े जाओ, कोई हिलाना नहीं गिरिराज को। हरे कृष्णा, अरे बैठ जाओ दो मिनट, अभी कथा सुन लो गिरिराज जी की। उसको थोड़ी सी आगे कर दो, थोड़ी सी कर एक साइड कर दो, उठाओ तो गिरिराज को, गिरिराज को उठाओ, धीरे धीरे आगे ले जाओ, पीछे से पीछे से पीछे जब पुल है ना, पीछे से नीचे से नीचे से, हाँ धीरे धीरे नीचे नीचे सब पीछे हो जाओ थोड़ी सी। ठीक ठीक आप लोग बैठ जाओ, अब बैठ जाओ बैठ जाओ, बाद में आप लोग परिक्रमा लगा लेना, ठीक है बैठ जाओ, दो मिनट बैठ जाओ और थोड़ा इधर और थोड़ा इधर और थोड़ा, ठीक ठीक हो गया हो गया हो गया।
अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, कथा सुन लो दो मिनट गिरिराज जी की। कथा सुने बिना पूरा नहीं होगा, कथा सुन लो, बैठ जाओ, बातें मत करो। हरे कृष्णा, एक बार हाथ उठा कर, हाथ उठा के जोर से बोलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामो, हरे रामो, रामो रामो, हरे हरे। बैठ जाओ, महाराज जी से कथा सुन लो थोड़ी देर। कथा सुने बिना गिरिराज जी की पूजा पूरी नहीं होगी। शांत हो जाओ थोड़ी देर, ध्यान से कथा सुन लो। हरे कृष्णा, हरे गिरिराज बाबा की। आनंद नहीं आज, जोर से बोलो, जो जितने जोर से गिरिराज की जयकार देगा, प्रसाद आज बहुत बढ़िया प्रसाद मिला है, बढ़िया प्रसाद तैयारी। इसलिए बोले गिरिराज महाराज की, गिरिराज बाबा की। केवल दो मिनट देखो, कृष्ण किसी ये गिरिराज गोवर्धन को पूजा प्रारंभ किया, इसका पीछे चार कारण बताया। पहला कारण बताए, ध्यान देकर सुना, पहला कारण बताए, ये ब्रजवासी लोग इंद्र पूजा करते थे, लेकिन ब्रजवासी कौन है, ये विभु कृष्ण के कायब भी हो, कृष्ण की शरीर से कृष्ण की एक एक भाव ही सेवा रूप में राधा जी की प्रकट कर दी, ये निर्गुण। लेकिन ये इंद्र कौन है, बोले सगुण, ये सत्तो रज तम के अधिक, बोले ये निर्गुण व्यक्ति ये सगुण व्यक्ति की पूजा कैसे करेंगे। नंद बाबा अगर कन्या को बोले लाला मेरी जूती ले आया, कृष्ण ठुमुक ठुमुक करके जाते थे और जूती ले करके बड़े प्रसन्न होकर के आते थे, बोले साक्षात भगवान सोच रहे जिनकी जूती में धार में चलता हूँ, इंद्र क्या सोच रहा है, ये स्वर्ग का राजा, ये प्रजा, इसका अभिमान को मैं दूर करूंगा। दूसरा कारण बताए, बोले भैया हमें बहु देवा देवी को पूजा नहीं करनी चाहिए, जगत में 33 करोड़ देवता, कितने खुश करके बताओ, एक को खुश करो दूसरे मुंह बुलाकर बैठ जाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे के देवता हैं जिनकी पूजा करने पर सब कुछ प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण ही ये गिरिराज रूप में प्रकट हुए, कृष्ण और गिरिराज में कोई फर्क नहीं। इसलिए इंद्र ने जब ब्रजवासियों ने पूजा की, कृष्ण स्वयं एक रूप में तो पूजा ग्रहण की, और दूसरे रूप में स्वयं कृष्ण ये गिरिराज रूप में प्रकट हुए। गिरिराज महाराज की जय। इसलिए ये दूसरा कारण। बोले तीसरा कारण क्या है, अभी कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्रजवासी ये अपना लोग है, राधा जी के मेरे कायब भी हुए हैं, मैं 7 दिन तक इनको साथ में उत्सव मनाना चाहता हूँ, कैसे मना सकता हूँ। बोले जब मैं गिरिराज उठाऊंगा समस्त ब्रजवासी उसको नीचे आश्रय लेंगे, फिर आसानी से इनसे मैं मिल सकता हूँ। देखो चौथा कारण, अभी वो लाली बता रही थी ना, कृष्ण खुश भी हुए, इंद्र 7 दिन तक बारिश बरसाया, लेकिन ठाकुर जी उनके ऊपर प्रसन्न क्यों हो गए, बारिश से तो बरसाया लेकिन दूसरे तरफ में एक अच्छा काम किया। बोले सुना क्या काम किया, अभी कृष्ण सोच रहे हैं मैं रास लीला करूंगा, कृष्ण का जितने लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ लीला रास लीला, क्यों, राधा जी ब्रज गोपियों को साथ में ठाकुर जी मिले हैं। अभी कृष्ण सोच रहे भैया रास लीला करूं कैसे, जैसे उदाहरण दिया, जैसे कोई एक हीरो जब किसी हीरोइन को आकर्षण करना चाहता है क्या करता है, वो हीरोइन को सामने अपना बहादुर दिखाता है, बहुत लोग को इकट्ठा कर देगा हीरो, सबको साथ में मारपीट करके सब भगा देगा, और हीरोइन बोलेगा बावारी रवान है, वो उसको पर अपने आप आसक्त हो जाती है। उसी तरह ब्रज का हीरो कौन है, भगवान कृष्ण, बाकी भी एक हीरो और कोई सब जीरो, एक हीरो कृष्ण ही है, लेकिन हीरोइन कौन है, ब्रज गोपियां राधा रानी हीरोइन। अभी कृष्ण सोचे भैया रास तो अकेले नहीं कर सकता, ये ब्रज गोपियों के बगैर फिर इनका आकर्षण कैसे करें। इसलिए कृष्ण 7 दिन में 7 क्रोस गिरिराज और उन्हें 7 दिन तक उन्होंने कृष्ण धारण किया, कौन सा अंगुल में, हम कहते ना हमारे लिए कौन सा बड़ी भारी बात है, इसको तो हम उल्टा हाथ से कर सकते, उल्टा हाथ में नहीं बोले सबसे कनिष्ठ अंगुल में कर सकता है, कनिष्ठ अंगुल नहीं, भगवान नख को पर गिरिराज उठा दिए। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। इसलिए जिनकी पौरुषता देख करके जितने ब्रज गोपियां राधा रानी थी ना,
कृष्ण चरण सब लूट गए, फिर तो भगवान की दिव्या ये रासलीला हो गई। जब रासलीला हो गई, अभी भगवान कृष्ण गिरिराज धारण करवाए, इंद्र ने माफी मांगे, कृष्ण ने कहा देखो ये काम करो, चलो हम सबके सब श्री गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। सबसे पहले कौन चल रहे थे? संत ब्राह्मण। उसको पीछे कौन चल रहे थे? जितने गैया बछड़ा चल रहे थे, बोले उनको पीछे कौन चल रहे थे? जितने ब्रजवासी, और सबसे पीछे ये गोपियां, और सबसे पीछे राधा रानी चल रही थी। जब परिक्रमा कर रहे थे ना, इतने में राधा रानी सोच रही है, राधा रानी क्या सोच रही है? अगर कृष्ण सचमुच से मेरे प्रियतम होएंगे, मेरे मन की भावना को समझ करके मेरे कथा कृष्ण कन्या स्पर्श कर ले, फिर तो मैं समझूंगी कृष्ण मेरे मन की भावना समझते हैं। कृष्ण बीच में, राधा रानी पीछे। अभी कृष्ण सोच रहे भैया राधा रानी तो बीच में तो पीछे, कैसे मैं तो बीच में राधा रानी पीछे कैसे स्पर्श करूं? इतने में कृष्ण ने क्या की, एक बछड़े को पीछे मुंह करके उसका पूंछ को ऐंठ दिया, और इतने में बछड़ा तो खुदकते हुए सीधा पीछे पहुंच गया। कृष्ण बछड़े को लाने का बहाना बनाया और पीछे जाकर के राधा रानी को स्पर्श कर दिया। कृष्ण तो प्रेम में गदगद हो गई राधा रानी को। और थोड़ी आगे चले चले तो फिर राधा रानी सोच रही है, अगर कृष्ण मेरे मन की भावना समझते हैं, मैं चाहता हूँ कृष्ण एक बार दर्शन दे। लेकिन तत्व तो राधा कृष्ण तो दो नहीं, एक ही है, बोले जापी राधा सापी कृष्ण, जा राधा कृष्ण है बसो, जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा। अभी राधा जी के मन की भावना कृष्ण समझ गए, बोले कैसे दर्शन दूं, मैं तो बीच में राधा रानी सबसे पीछे। इतने में कृष्ण ने किया कि जो गैया चरण का जो लकुट थी ना, वो लकुट गौन के ऊपर फेंके, जोर से फेंक करके कृष्ण छलांग लगा करके जब उसको पकड़ने के लिए गए ना, राधा रानी का दो हाथ और कृष्ण का दो हाथ मिल करके ये चार हो गई। हे राधा रानी प्रसन्न हो गई, कन्या मेरे बात को समझ गई। खैर कृष्ण ने किया कि कृष्ण को जो गैया चरण का जो लकुट थी ना, वो हीरे जवाहरात से बड़ा हुआ था। इतने में कृष्ण लकुट को ऊपर कर दी, जब ऊपर कर दी, अभी कृष्ण का जो प्रतिबिंब परछाई कहां पर पड़ा, उसमें जो हीरे जवाहरात जड़ा हुआ कृष्ण का परछाई वहां पर पड़ा, और राधा रानी क्या पीछे थी। पर कृष्ण वही सही, उन्होंने जो हीरे मोती से जड़ा हुआ था लकुट में, वही सही उन्होंने कृष्ण को दर्शन कर रही थी। इसलिए सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न होकर के गिरिराज की परिक्रमा लगाए। इसलिए कल हम आगे की कथा सुनेंगे, भगवान कैसे रास रचाते हैं, कैसे कंसों को मारते हैं, कैसे एकादश स्कंध में कैसे ठाकुर जी नैमि नवेद्य जोगेंद्र संवाद है, ठाकुर जी कैसे श्री उद्धव जी को अंतिम जो उपदेश देते हैं, ये सारी कथा हम कल सुनेंगे। कल भगवान कृष्ण का बांके बिहार की शादी भी है, मैं हर साल बताता ना सुदामा चरित्र भी है, जैसे शादी में बड़े चमक धमक कपड़ा पहन कर जाते हो, कल बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन कर आना, लाल लाल रखे के, क्योंकि ठाकुर जी कल शादी है। और कोई कोई माताएं अगर अच्छी बड़ी साड़ी सुंदर साड़ी सलवार दोगे ना, तो वृंदावन में राधा रानी को भी हम पहनाएंगे, ठीक है। और कल श्री सुदामा जी का चरित्र है, कोई कोई कहते हैं हमें सुदामा जी का प्रसाद चावल दो, अगर थोड़ा अपना चावल ले आओगे तो यहीं से थोड़ा थोड़ा हमको चावल देखेंगे, तो चावल भी आप ले सकते हो। और कुछ दिन बाद में वृंदावन में अक्षय तृतीया आएगी, संजय प्रभु भी आएंगे, आप सबको मैं आज नौता देता हूँ कि मुझे अक्षय तृतीया साल का सर्वश्रेष्ठ दिन है। अक्षय तृतीया दिन सृष्टि को भगवान रचना की थी, उसी दिन आप जो कुछ करोगे फल अक्षय होगा। जैसे कोई अच्छे काम करने के लिए हमें कोई समय देखना पड़ता, लेकिन अक्षय तृतीया ऐसे कहती थी कोई भी शुभ काम को आंख बंद करके भी कर दो काम तुम्हारी हो जाएगी। इसलिए आप सबको अभी से आप निमंत्रण देता हूँ, अगले महीना 3 तारीख को अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल का 3 तारीख को अक्षय तृतीया है, आप लोग वृंदावन में आना, बड़े सुंदर ठाकुर का फूल का श्रृंगार, संपूर्ण शरीर चंदन से ठाकुर का श्रृंगार होती है, आप लोग सबके सब आना, अक्षय तृतीया का आनंद लेना और सबके सब आनंद लेकर तो मई जनवरी फरवरी मार्च मई 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 3 तारीख साल का पांचवा महीना और मई 3 तारीख को ही अक्षय तृतीया है, आपका हम सबको निमंत्रण देते हैं। हमारे गोरीलाल भैया अभी गिरिराज की बड़ी सुंदर सुंदर भजन गाएंगे,
आप लोग गिरिराज के भजन सुनो नाचो और गिरिराज का भी आप लोगों ने पेंटिंग वाला लगा दी ठीक है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। देखिए गिरिराज जी का 56 भोग महोत्सव देखिए। मुझे मनोज भैया निवेदन किया है गले में जो चैन वगैरह है उसका ध्यान रखेंगे, आपकी स्वयं जिम्मेदारी है चैन वगैरह। Oh
हरे कृष्णा, जो लोग हरिनाम माला लेके हरिनाम करना चाहते हैं, हम लोग विनोद विनोद जी घर पे रुके, विनोद जी घर पे आप लोग कल सवेरे वहाँ आ जाना, जो हरिनाम लेकर के फटफट ले करना चाहते हैं
एक